चंद्र साहब, आपका खत आया है। मेरा खत? मुझे खत भेजने वाला कोई नहीं है। नहीं साहब, आपका ही है। लखनपुर से किसी कृष्ण प्रसाद ने भेजा है। ए चंद्र, ये मैं हूं यार, तेरा कृष्ण प्रसाद। मुझे अभी अभी पता चला कि तू फौज में है। मैं आज कल लखनपुर में नहीं हूं, शहर में हूं। उस दर्दनाक वारदात के बाद मैं लखनपुर नहीं गया। चंद्रो, तेरे बगैर, अपने अरविंद के बगैर मैं अकेला वहां क्या करूंगा? हाथ उठाया तो जान निकालूंगा। चल, चंद्र, सच बोल रहा हूं। मैं ये तो नहीं जानता कि तेरे दिल में अब भी अरविंद और उसके परिवार वालों के लिए कोई गिला है या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उनके दिल में तेरे लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, एक बार तो लखनपुर आ जा, हम दोनों मिलकर अरविंद के बच्चे से मिलेंगे। अगले दिवाली पर जरूर लखनपुर आ जाना मेरे दोस्त, मैं वहां तेरा इंतजार करूंगा। तेरा जी भी दोस्त कृपा। चंद्रू, ऐसे देखने से पटाखे नहीं देंगे, जरा रोने की शक्ल बनाना। खेलो बेटी, खेलो। अरविंद बेटे, वो बच्चे देख रहे हैं, उन्हें भी पटाखे दे दो। नहीं दूंगा। दे दो ना, तुम लोग अंदर आ जाओ। बेटा, ये उनका खिलौना है, मैं तुम्हें दूसरा ले दूंगी। नहीं, मुझे वो ही खिलौना। तुम अच्छी लड़की हो ना। नहीं, मुझे वो ही खिलौना। मैंने कहा ना, तुम्हें दूसरा दिलवा दूंगी। अमृता, तू बहुत जिद्दी हो गई है, कहा ना दूसरा दिलवा दूंगी। देखा तुमने, छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी अपना खिलौना तुम्हें दे दिया। अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है बेटा, बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? छोटू। तुमसे नाम पूछा तो तुम्हारा भाई बता रहा है, तुम क्यों नहीं बताते? ये बोल नहीं सकता, गूंगा है।
डॉक्टर साहब ये पानी में गिर गई, इसको बचा लीजिए। नर्स हरी आप। अमृता, अमृता, मेरी बच्ची। फिक्र मत कीजिए मैडम, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, आप बाहर वेट कीजिए। प्लीज जरा हटिए सावित्री। देखिए आप इन्हें बाहर ले जाइए, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे अपना काम करने दीजिए। कुछ नहीं होगा। वेरी गुड, डरो मत। सावित्री ओके। मेरी बच्ची। ये तो बताओ शायद किसका है? मेरे छोटे भाई का। ये चंद्रू, अभी तक तू छोटू को भूल नहीं पा रहा ना? चाहे कितने भी बरस बीत जाए, मैं छोटू को भूल नहीं सकता। ये लो, तुमसे मिलने तुम्हारा दोस्त कृष्ण प्रसाद आया है। कृपा आया है? ये कृपा अंदर नहीं आ सकते थे? कोई बात नहीं यार, छोटू का हो गया। हो गया। शहर में कैसा चल रहा है? गिरो कवल्ला। क्या कहा? जूही चावला? जूही चावला नहीं, गिरो कवल्ला। वो क्या होता है? कम ऑन, ये भी नहीं जानती और कॉलेज में एडमिशन मिल गया? पहले ये सीख लो, बाद में कॉलेज। ए तुम लोग यहीं रुको, मैं इन लोगों को स्पेशल ट्यूशन देकर आता हूँ, ठीक है? हाँ, गिरो कवल्ला का मतलब है तुम सब। इसने अपना गिरोह खोला, अभी तक नहीं छोड़ा। तू बालों से शुरू करता है और वो गिरोह वाला से, पता नहीं तुम लोग कब मुसीबत में पड़ोगे। बिना रिस्क के लाइफ, बिना छपाई के पेपर की तरह है, बिना जिप के पैन की तरह है। खैर ये सब छोड़ो, मुझे बहुत जरूरी काम है बोल के क्यों बुलाया? ए चंद्रू, कोई प्रॉब्लम है? हाँ यार। ए मैं कौन हूँ? अरविंद का दोस्त हूँ ना, भाई के दोस्त के साथ कैसे बात करनी है, कैसे पेश आना है, अमृता को पता होना चाहिए ना। उसने अपने मन में मेरे लिए अजीब अजीब से ख्यालात बना रखे हैं यार। यानी वो तुमसे गिरोह वाला कहती है? ए तू भूल रहा है कि वो हम दोनों की दोस्त की बहन है, उसे ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए यार, ये सब गलत है, तुम्हें को उसको जाके समझाना पड़ेगा। दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम है यार। हरी हो केशवर्धनी, कहाँ जा रही हो? शट अप यू इडियट। ठीक है, शट अप इडियट कोई मल्टीप्लेक्स है क्या? शर्म नहीं आती लड़कियों से गालियां खा रहा है? मुझे लड़कियों की गालियां बड़ी आसानी से हजम हो जाती है। खैर ये सब छोड़ो, फिलहाल तुझे अमृता से पीछा छुड़वाना है, यही ना? हाँ यार। लड़कियों के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन खाली कराना बहुत आसान है। अमृता तुझसे जो भी पूछे, कृपा ने जो भी कहा सही है कह देना। ठीक है, लेकिन ये बात हम दोनों के बीच में रहे। ठीक है। ए अरविंद आ रहा है, चुप हो जा। ठीक है। हाय। इस किले को फतेह करने का प्लान बन रहा है?
ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सुनो, चश्मा जच नहीं रहा है। चश्मा हमने तो पहना ही नहीं है। फ्रेम थोड़ा छोटा होता तो चेहरे के साथ मैच करता। मेरे दोस्त का एक बड़ा शोरूम है, साथ चलो तो लेटेस्ट चश्मा दिला दूंगा। छोड़ना यार। अरे छोड़ना, बस कर। लड़कियों की खूबसूरती को अप्रिशिएट नहीं किया तो उन्हें बुरा लगेगा। ज्यादा बुरा मत मानना वरना तेरे घर वाले बुरा मानेंगे। अरे उधर का चला, इधर चल चंदू, इधर। एक्सक्यूज मी। यस। एक चुम्मा देंगी? क्या कहा? कल ही वापस लौटा दूंगा तुझे तो। अरे इनकार मत करो, आज मैं देता हूँ, कल तुम लौटा देना। चल फुटले। दोनों मंजूर नहीं तो कैसा चलेगा। अभी उधर देख। ए चंद्रू, वो सब मुझे देखकर हंस रही है। जोकर को देख के तो हंसेंगे ही ना। हाँ, वो वाली हंसी नहीं, ये प्रेम की हंसी है, प्रेम की। ओए, ये हंसी मेरे लिए है। हाँ, तेरे लिए, मैंने सोचा मेरे लिए। देखो कैसे देख रही है, मुझे नजरों से इनवाइट कर रही है। तो फिर सोचता क्या है, प्रोसीड। आइसक्रीम खिला के पटाऊं या फिल्म दिखा के पटाऊं? फिल्म देखते हुए आइसक्रीम खिला के पटाना, वो है ना तेरा टेक्निक, गिरोक वाला। लगे रहो। हाय हाय गिरोका वल्ला। इसका क्या मतलब है? गिरोका वल्ला, तुम मुझे गिरोका वल्ला? नहीं समझी? गिरोका वल्ला, इसको उल्टा करो। लव करोगी तुम मुझे, लव करोगी। तो अब बोलो, फिल्म देखने चलेंगे या आइसक्रीम पार्लर? तुम्हारे घर चलेंगे। घर? तुम अरविंद हो ना? वो दोनों चंद्रू और कृष्ण प्रसाद है ना? हा? हमारा नाम तुम कैसे जानती हो? तुम्हारी बहन अमृता हमारी क्लासमेट है। ओ मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब है कि बात बन गई है, हमारी भी सिफारिश कर सकता है ना। अबे मैं, चुप, मेरा नाम बता देना, इसका भी नाम बता देना। गिरोकुवाला। क्या मैं वहाँ आ जाऊँ? नहीं, ऑटो ऑटो। अरे ये ऑटो पकड़ के कहाँ जा रहा है? चलो चलो जल्दी करो। अरे रुकना, मुझे भी ले जाओ। लगता है ऑटो के पीछे भागना ही मेरे रेसिपी लिखा है। अमृता क्या हुआ तुझे? कहाँ है तुम्हारा लाडला बेटा? ऐसा क्या उसने कर दिया जो तू घर की चीजें तोड़ फोड़ रही है? उससे क्या काम है तुझे? बड़ा भाई है ना, आरती उतार के राखी बांधना चाहता है। तेरा दिमाग खराब है? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा लाडला है ना, उसका खराब है। बेटा, बड़े भाई के बारे में इस तरह बातें करते हैं? बड़ा भाई? कैसा बड़ा भाई? ए, एक चाटा मारूंगी। सावित्री, जवान लड़की पर हाथ क्यों उठाती हो? मैं पूछती हूँ, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बताती हूँ नानी माँ। आज तक कॉलेज में मैं सर उठा कर रहती थी, आज उसकी करतूत की वजह से सर झुकाना पड़ा। मेरी सहेलियों के पास जाके आइसक्रीम खाओगी, फिल्म देखने चलोगी, होटल चलोगी, ऐसी बातों से परेशान किया है। ठीक ठीक, रो मत, आने दो उस बेवकूफ को, मैं ठीक करता हूँ उसे। कॉलेज में मेरी नाक कटवा के या मुझे देख के हंस रहा है? हमेशा लोग तस्वीर उतारते हैं, आज ये तस्वीर अपने आप कैसे उतर गई? ये क्या सर पे मूंछ? ओहो, मैं उल्टा देख रहा हूँ। अबे ये देख, ये लोग कहाँ चले गए? पता नहीं अब क्या। अबे घर खाली कर रहे हैं, हवा में चीजें उड़ के आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो चुड़ैल लोग कॉलेज पहुँच के अमृता के कान भर दिए होंगे और वो यहाँ आके अपना रिएक्शन दिखा रही है, बात यही है। तू क्यों फिक्र कर रहा है, तेरी बहन है ना, तू हिम्मत करके अंदर जा, हम बाद में मिलेंगे। अंदर जाके प्रॉब्लम सॉल्व करके आ। इधर आ बे। आता हूँ बे। अबे कहा? आता हूँ कहा, अबे इससे कहा। अच्छा, अरविंद ने बसों पे क्या किया था? बस का इंतजार किया। हाँ। क्या कहा? बस के लिए इंतजार किया? बस स्टॉप पे मेरी फ्रेंड से छेड़छाड़ नहीं की उसने? वो सब तुम्हारी फ्रेंड्स थे, लेकिन वो तो खूबसूरत थी। देखा अंकल जी, बात बदल रहा है। hey, बहाने बाजी छोड़ के वहाँ पे जो हुआ वो बता। जो हो गया मैं बोलता हूँ, नदी के दो किनारों की तरह हमेशा लड़कियों से फासला रखने वाला हमारे चंद्रू से गरोक वाला कह रहे थे अंकल जी। बीच में मुझे क्यों घसीट रहा यार? अरविंद भी बचेगा और तेरा भी काम हो जाएगा। देखा अमृता कैसे चुप हो गई? गेरोक वाला वो क्या है? वो कोई भगवत गीता है, जो उसका मतलब समझोगी वो जरूर कोई बुरी बात होगी। हाँ अंकल जी, बुरी बात है,
इसीलिए अरविंद को गुस्सा आया और उन लोगों को रैक किया। यही हुआ ना? हाँ तो ये बात है। हाँ आंटी, तभी तो मैं सोचूं बिन बादल के बसात कैसे, उन लड़कियों ने जरूर कुछ कहा होगा तभी इसने ऐसा किया है। बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी, बहुत हो गया है, इसको तो दूसरा काम नहीं है। आप यहीं बैठे हैं अभी तक? अच्छा। चलिए अंदर चलो, सावित्री अपना काम देखते हैं। अंकल जी, इसने जो कुछ भी कहा सफेद झूठ है। सफेद झूठ भी नहीं, काला सच भी नहीं। सबूत के अभाव के कारण इस केस को रद्द किया जाता है। नो फर्दर आर्ग्यूमेंट। अंकल जी मेरी बात, कुछ भी हो अपने दोस्त की बहन के साथ शराफत दिखानी चाहिए ना। अमे तो लेक्चर दे रही हो, तुम अपने भाई के दोस्त के साथ शराफत से रहती हो। अब भी करती हूँ। ए मिस्टर, आप जरा मेरे साथ आएंगे? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मुझे नहीं, ए टाइ तुझे बुला रही है। मुझे? आप ही को, मेरे साथ आइए। ए सुन, तू निडर होके अंदर जा, मैं यहाँ खड़ा हिम्मत जुटाता हूँ। बस मैं तो बच गया। अरे कृपा, ये गिरोकवाला का क्या मतलब है? आंटी जी, मरे हो के मारोगे क्या? आंटी का नाम लेती दम दबा के भागे, इनको गिरोकवाला का मतलब जी। दरवाजा क्यों बंद किया? हमारे प्यार के बारे में सबसे ढिंढोरा पीटने के अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है। मैंने किसी को नहीं बोला। तुमने नहीं बोला तो कृपा को कैसे पता चला? मेरी तरफ देखो, मेरे भाई के साथ रह के तुम भी लड़कियों को छेड़ने लगे हो, सुना? खून पी जाऊंगी समझ लेना। अब जाओ। ए, अब तक जो कुछ भी हुआ है कृपा को बोल दिया है ना, अब जाके ये भी बोल। चितवन में ही ये खो गया है दिल मेरा, तेरे रूप का जादू क्या गजब कर गया। सोहनी सजनी, मन में एक हसरत होने लगी, बस तेरी चाहत होने लगी।
सब कर गया सोहनी सजनी। मन में एक हसरत होने लगी बस तेरी चाहत होने लगी। क्यों अमृता, चंद्रू के साथ ड्यूएट कर रही थी? क्यों, मजाक सोच रहा है? मेरी जब मर्जी चंद्रू के साथ ड्यूएट कर सकती हूँ, तुम्हें क्या? मुझे कुछ नहीं है। बेचारी तू यहाँ चंद्रू के साथ ड्यूएट कर रही है, लेकिन वो वहाँ किसी और के साथ ड्यूएट कर रहा है। ये सब मुझे किस लिए? मैं शहर जा रहा हूँ, सोचा बाय बोलता जाऊँ बस। रुको, कुछ कहने वाले थे ना, अगर नहीं कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नहीं बोला तो मुझे मार दोगी, बोला तो उसे मार दोगी। मुझे अपनी जान प्यारी ही इसलिए बोलता हूँ। देखो सिस्टर, तुम जैसा समझती हो वैसा चंद्रू भोला नहीं है। उसके लिए लड़कियां गन्ने की तरह हैं। उसके चक्कर में पड़ के कुछ लड़कियों को पढ़ाई भारी हो गई। हाल ही में एक लड़की का पांव भारी हो गया। कौन है वो लड़की? प्रताप सिंह की बेटी माहेश्वरी। देखो अमृता, मेरे दोस्त की बहन हो इसलिए कह रहा हूँ, जल्द से जल्द उसको भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है। मैं चला। प्रताप सिंह जी नमस्कार। मैं कौन हूँ आपको जानने की जरूरत नहीं है। लखनपुर के जज राजशेखर के घर पर रहने वाला चंद्रशेखर और आपकी बेटी महेश्वरी के साथ प्यार का कोई चक्कर है। आपके जानकारी के बगैर वो आपकी बेटी को भगा ले जाने वाला है। ए! ए! उसे खत्म कर दो। अंधे हो, कैसी गाड़ी चला रहे हो? अरविंद भैया, अरविंद भैया, अपने चंदू को कुछ लोग मार रहे हैं। अरे,
तेरा बाप हूँ। एए, उस कमीने के टुकड़े टुकड़े कर डालो। अरविंद, मत कर अरविंद, प्लीज मत कर, प्लीज छोड़ मुझे। अरविंद चल छोड़ चल। एए, क्या समझ रखा है मुझे? मेरे दोस्त पर हाथ उठाने का अंजाम देख लिया ना, फिर कभी इस पर नजर उठा के भी देखा तो पेट्रोल कैन नहीं पेट्रोल टैंकर लाके तू और तेरे बंगले को जला डालूंगा। खबरदार चला। जैसे आप घर पर है मैडम? टूर पे गए हैं, क्या बात है? अरविंद ने प्रताप सिंह की गाड़ी को जला के उनके घर पर तोड़फोड़ किया मैडम। क्या हुआ भाई साहब? मैंने प्रताप सिंह से बात की। क्या कहा उन्होंने? एसपी साहब ने भी उन्हें मनाने की कोशिश की पर वो नहीं माने। जब नई गाड़ी देने की बात की तो मान गए। गनीमत है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कहां साल हो गया, और भी बढ़ गया। वो कैसे? प्रताप जी ने मान लिया ना? वो मान गए, लेकिन मार खाने वाला उनका भाई अभी तक झलाया हुआ है। आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकता। कुछ दिनों के लिए उन दोनों को कहीं बाहर भेजना ही बेहतर है, ऐसा इंस्पेक्टर कह रहे थे। तो मसूरी में हमारे घर है ना, वहीं भेज देते हैं। डैड, ये सब क्या है? उससे डर के हम क्यों मसूरी जाएं? गलती उसकी है, उसी के आदमियों ने चंद्रू को मारा था और उसके बाइक को भी जला दिया था। ये बात नहीं बेटे, मेरी बात सुन। चंद्रू अच्छा लड़का ये हम जानते हैं, बाहर वाले नहीं जानते हैं ना। ये देखो, चंद्रू के बारे में किसी ने गुमनाम खत लिखा है। ए, ये क्या है? चंद्रू के बारे में बेकार की बातें लिखे भेजा तुमने? तुम ही से पूछ रहा हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है, वो लड़की ही चंद्रू को अपने जाल में फंसकर अब मासूम होने का नाटक कर रही है। बकवास बंद कर। कृपा नहीं बताता तो मैं भी इस बात से अनजान रहती। कृपा ने बताया? हाँ, चाहे तो उसी से जाके पूछो। पूछता हूँ, अगर गलत निकली तो ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन है। घर वाले डर रहे हैं कि हमारे यहाँ रहने से कोई गड़बड़ ना हो जाए, चलो कुछ दिन के लिए कहीं चले जाते हैं। कहाँ चलना है? शहर जाएंगे। शहर जाएंगे, यानी कृपा के पास? हाँ, वो हमें बताए बिना चला गया था ना। रात और रात उसके पास जाके स्ट्रॉन्ग बेड कॉफी के साथ उसे उठाएंगे। हाउस नंबर क्या था? नंबर 10, यही जगह है। ये बंदा कौन है? हो सकता है यही उसका जीजा हो। भाई साहब, भाई साहब क्या है? कृष्णा प्रसाद है। अरे अंदर बिस्तर पर पड़ा पड़ा सपना देख रहा होगा, जाके अंदर ही मिल लो। चल अंदर। हाँ देखा, व्हाइट हाउस में जॉर्ज बुश की तरह घोड़ा बेच के सो रहा है। देख इसे मैं क्या करता। तू रुक जा, मैं उठाता हूँ ना। एक कृपा, रुक रुक। हमने इसे यहीं उठाया तो हमें देख के खुशी के मारे पागलों की तरह चिल्लाने लगेगा, उसका जीजा डिस्टर्ब हो जाएगा। हम इसे पलंग के साथ बाहर ले जाएंगे। चाय रेडी जीजू। ये आदमी पलंग के साथ कहाँ गायब हो गया? जीजू, जीजू, गोपाल, गोपाल, जीजू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो लोग उन्हें ले गए। सोचा तुझे ले जा रहे हैं। क्या बॉस की तबीयत खराब है जो उन्हें पलंग के साथ ले गए? पलंग के साथ उठा के ले गए? किसने? ये पकड़ो। मुझे क्या मालूम, वो लोग तुमसे मिलने आए थे। ओ, तो जरूर कर्ज देने वाले होंगे। मैं हूँ सोचकर उन्हें ले गए होंगे। अबे मैं आगे चलता हूँ, तो पीछे आ रहा हूँ। अपने आदमी को भी ले आना, भूला नहीं। चंद्रू, तू जाके इसके जीजा का हालचाल पूछ, मैं इसकी क्लास लेता हूँ। कौन सी क्लास? इसको शॉक ट्रीटमेंट दिए बिना ये ट्रैक पर नहीं आएगा। तू जा। तो वो कौन है? ए चंद्रू, तू यहाँ कैसे? तो अरविंद और मैं जैसे चारपाई भी उठा के लाए वो तू नहीं था? हाँ, जीजा को उठा ले जाने वाले तुम हो। कहाँ है वो? अरे नहीं, छोड़ ना, बात सुन। अबे यार कृपा, यहाँ आया तो वो कौन है? उसका बहनोई।
यार कुत्ते की तरह पीट दिया मैंने उसे, चलो माफी मांग लेते हैं। ढाबे में जैसे आटा गूंथते हैं वैसे मेरे जीजा को गूंथेगा बार, अब सॉरी बोलना है सॉरी। चलो मर गया। अरे बाप रे, मुझे किताब करता है, मुझे करता कितना। अबे तेरी तो आज नहीं छोड़ूंगा। इसकी बोनट तो पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। अबे ये बोनट नहीं डिक्की है, बोनट तो ये है। मेरी धुलाई करने वाला तू है? मैं? दो अनजान लोगों ने तुम्हारा किडनैप किया ये सुनकर तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और तुम मुझे मार रहे हो? यस बॉस, वो लोग दो थे। दो थे, समझ गया। मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुझे जान से मारने के लिए आया था। वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि तेरा जीजा मेरे हाथ फंस गया। ऐसी कौन सी गलती की मैंने? क्या गलती की? हमारे चंद्रू का उस प्रताप सिंह की बेटी के साथ नाजायज संबंध है, ऐसा अमृता से झूठ क्यों बोला तुमने? वो तुमने विश्वास कर लिया? मैं तो ऐसा ही झूठ मूठ का हवा दे रहा था। हवा दे रहा था? तेरी बात तो सुना यार। क्या सुना? मेरी बात तो बोल। क्या सुना? अरविंद, अरविंद रुक जा, अरविंद रुक जा, छोड़ उसे, छोड़ उसे, मार डालो बस। क्यों मार रहे उसे? उसने क्या गलती की है? सारी परेशानियों की जड़ यही है, तेरा उस प्रताप सिंह की बेटी के साथ गलत संबंध है, ऐसा अमृता से झूठ बोला इसने। ये सुनके प्रताप सिंह को अमृता ने खत भेजा। देखा कैसा घूर रहा है? तेरी इस हरकत के लिए तुझे मार के ताला में फेंक देना चाहिए। ए, मार दे मुझे, मार दे। ए चंद्रू, तेरे कहने पर ही सब किया था ना, मुझे मारने को कह रहा, मुंह खोल के बोलता क्यों नहीं? तेरी प्यारी बहन ने उस गुमनाम खत के बारे में ही कहा और कुछ नहीं कहा। ये उस प्रताप सिंह की बेटी से शादी करे तो उससे क्या, प्यार करे तो उससे क्या, ये तू नहीं पूछेगा? मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ। तेरी प्यारी बहन चंद्रू से प्यार करती है, इश्क फरमाती है, लेकिन इसने ऐसा नहीं सोचा, अपने दोस्त की बहन से प्यार करना गलत सोचा, दोस्ती के नाम पर धब्बा है समझा, इसलिए इसने उसके प्यार को कबूल नहीं किया। इसने कहा अमृता को किसी भी तरह पीछे हटा दे, मुझे सही लगा, लगना क्या है, यही सही है, कोई भी सच्चा दोस्त ऐसा ही सोचेगा। सच क्या है जाने बिना जल्दबाजी में तुझ पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दे यार। तू ही ना तुम्हारा ना, कोई बात नहीं, वो भी फ्रेंडशिप के लिए ही ना, मुझे खुशी है, खुशी है यार। चंद्रू, अमृता की गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ। तुझ जैसा नेक इंसान हमारे घर का दामाद बने, ये सिर्फ अमृता की ही नहीं, हम सबकी खुशनसीबी है। ए, उस ऊपर वाले ने हम तीनों को बनाया है फ्रेंड्स बनके रहने के लिए, अब चाहे वो ऊपर वाला ही कोशिश क्यों ना करे, हम कभी अलग नहीं हो सकते। सबसे प्यारा यार ही जीने का सहारा, यारी ही ईमान है मेरा, यारी ही वरदान है मेरा, दुनिया में सबसे बढ़कर है मेरी यारी। अरे दोस्ती बिना तो ये जिंदगी है क्या, ये दुनिया कुछ भी कर ले हम तो होंगे ना जुदा। दोस्ती बिना तो ये जिंदगी है क्या, ये दुनिया कुछ भी कर ले हम तो होंगे ना जुदा।
आसमां झुक जाए, कर लेगा अपना क्या कोई। प्यार अब कभी न टूटे, प्यार का अटूट बंधन, तू है खुशबू में चंदन, दिलों में धड़कन प्यार तेरा। दोस्ती बिना तो ये जिंदगी है क्या, ये दुनिया कुछ भी कर ले हम तो होंगे ना जुदा। दोस्ती बिना तो ये जिंदगी है क्या, ये दुनिया कुछ भी कर ले हम तो होंगे ना जुदा। कटार की धार तेज करो बॉस, पेंटिंग करने के लिए आप क्या कटार इस्तेमाल करोगे? पेंटिंग करने के लिए नहीं, मैं इसकी धार तेज कर रहा हूँ किडनैपर्स के गर्दन काटने के लिए। एक बार दो टुकड़े। बॉस, ब्रश पकड़ने वाले हाथ में कटार मुझे देखा नहीं जाता बॉस, ये मुझे दे दीजिए, उन्हें मैं काट डालूंगा। आहा, शाबाश मेरे लाल, तू ही मेरा सच्चा शागिर्द है। इस महीने से तेरी पगार में 5 रुपए बढ़ा देता हूँ। जाओ बॉस। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, नीचे जाओ। नीचे। तुम दोनों यही रुको, मैं जाके जीजू को पटा के आ जाता हूँ। ठीक है जाओ। कृपा, मुझे खुशखबरी पता है। क्या, तुझे नौकरी से निकाल दिया? नहीं, बॉस ने मेरी पगार 5 रुपए बढ़ा दी है। अबे, अभी तुझे दे रहा है वही जा रहा है, और भी बढ़ा दिया। जीजू को अकल नहीं है। हाँ, अकल होता तो वो तुझे क्यों पालता, मुफ्तखोर कहीं का। जीजू, जिसे ब्रश पकड़ना नहीं आता उनका पगार बढ़ाते हो। बिना पगार के काम करने वाले यहाँ बहुत पड़े हैं। अबे पगले कहीं के, आजकल के जमाने में बिना पगार का कौन काम करता है बोल? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस है, यानी ऑपरेशन? नहीं जीजू, बिना पगार के काम करने वालों को अप्रेंटिस बोलते हैं। बिना पगार के काम करने वाले, कितना बड़ा आइडिया दिया है तूने। एक काम करते हैं, आज से हमारे यहाँ काम करने वाले सभी लोगों को निकाल के ऑपरेशन वालों को लगा देते हैं। इतने लोग मेरे पास नहीं है, फिलहाल 2 लड़के हैं, चाहिए क्या? नहीं। ओके, परमिशन ग्रांटेड। एक काम कर, मैं उनको काम देता हूँ, रहने खाने के इंतजाम तू देख लेना। कल काम कहाँ पर है? राजमहल में। खाना वही देते हैं ना? वही देते हैं। क्या? अरे हाँ। ओए कृपा, कमाल का आइडिया है यार, कम से कम मुझे मारने वालों को मारने के लिए मैं उनका इस्तेमाल करूंगा। बुला उन लोगों को। बॉस, क्यों रे, चोर क्यों मचा रहा है? वो आ गए बॉस, वो किडनैपर्स आ गए। वो लोग आ गए कहाँ है? वहाँ पेड़ के नीचे खड़े, आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। चलिए, एक दूंगा उल्लू के पट्टे, मेरी मौत आई है कि जो मैं फिर से उनके पास जाऊँ। एक काम कर, तू एक डंडा लेके वहाँ जा। वहाँ जाके? वहाँ क्या हो रहा है मुझे आके बता। तो वहाँ क्या हुआ होगा मुझे पता चलेगा। क्या पता चलेगा? यही कि वो लोग तुझे मार दिए होंगे। तू जाता है या मैं मार दूं? हे भगवान, कहाँ जाऊँ, कहाँ छिपूं मैं? उसे क्या हो गया?
अंधे चुपके से पीठ में भूत की तरह हाथ मारता है। कौन मैं? हाँ? तुम्ही हाथ में तलवार लेकर कसाई की तरह डरा रहे हो। मैंने जो अप्रेंटिस के बारे में कहा वो लोग आ गए। अप्रेंटिस कहाँ है? कहाँ गायब हो गए? अरे आना, तुम्हारे वजह से मैं मार खा रहा हूँ। जीजू यही है। ठीक है ठीक है। वहाँ क्या देख रहे हो जीजू? पंचर हो गया। शिट, फिर बच गए साले। फिर कभी मिलेगा ना तब उसे देख लूंगा। ये लो, इसे लेकर धुलाई कर दो। किसकी? उनकी। आओ सुनो, अपेंडिस लो। अपेंडिस नहीं है, अप्रेंटिस। APPROI। आवाज बंद। जैसे मैं बोलता हूँ वैसा करो। मैं कोई परीक्षा देने जा रहा हूँ, जो स्पेलिंग सिखा रहे हो। दोनों एक एक डंडे उठाओ और मेरे पीछे आ जाओ। मैं उन्हें देखते ही उन पर वार करूंगा। तुम लोग भी उन्हें मार मार के क्लोज कर दो। यही तुम्हारी फर्स्ट ड्यूटी है। कम ऑन, फॉलो। ओके कम ऑन। किसको मारने को बोल रहे हैं? हमें क्या, जिसे मारने को कहता है मार देते हैं। पहला ड्यूटी है, चल। ओफो, वो किडनैपर्स बॉस को मारने के लिए उनके पीछे जा रहे हैं। बॉस को बोलो क्लोज करें, उसके पहले मैं उनको क्लोज करता हूं। देखो उन्हीं दोनों में से एक है वो। रुको, देखो वो मुझे ढूंढ रहा। ओफो, कहीं इस बीच वो लोग बॉस को खत्म तो नहीं कर दिया? ए, सोचता है भागने से तू बच जाएगा? तुझे खत्म कर दूंगा। कम ऑन, संभाल के। ए अपेंडिस लोग, संभाल के आना। सॉरी। अरे कम ऑन चार्ज। आजा बे आजा, तुम दोनों ने ही मेरे बॉस को खाट के साथ किडनैप किया था ना। तुम्हें मारने के लिए ही मैं और मेरे बॉस निकल पड़े हैं। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे गधे? मैंने क्या कहा था? हाँ मारता हूँ। एक तो खत्म हो गया, दूसरा कहाँ जाके ढूंढ। जीजू ये हमारा गोपाल है। अरे ये तो अपने गोपाल है। क्यों मारा तुम दोनों ने? अरे तेरे जीजा ने ही मारने को कहा था, हमने मारा। बेवकूफो, मैं इसे नहीं किडनैपर्स को मारने के लिए कहा था। ए, भागने के लिए तैयार हो जाओ। किने? अरे वही, जब मैं उस दिन सो रहा था तो मुझे खाट सही उठा ले जाके मेरी धुलाई की। तुम लोगों को अरे किडनैपर्स आए हैं मुझे बताने वाला यही था, और तुम लोगों ने मार मार के इसे ही अधमरा कर दिया। गोपाल बेटा, गोपाल अरे तुझे क्या हो गया गोपाल? आंखें खोल गोपाल, आंखें खोल। उठ जा गोपाल, उठ जा गोपाल, कुछ बोल तो सही गोपाल। सलाम अब्दुल कलाम भाई। अब्दुल कलाम? अरे रे रे, क्या हुआ इसे? तुम्हारी शादी कब हुई? ये तुम्हारी बीबी है? आ, ये मेरी बीबी कैसी? तुम लोगों का मार खा के ये मेंटल हो गया है। सॉरी। अरे सुनो गोपाल, ये कृष्ण प्रसाद है और मैं तेरा बॉस भवानी शंकर हूँ, और तू मेरे साथ काम करने वाला वर्कर है गोपाल। वर्कर? ये लोग कौन है जानता है? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, सही कहा ना? नहीं रे, ये सब हमारे यहाँ काम करने वाले नए अप्रेंटिस लोग हैं। हम सब एक साथ काम करते हैं। इसे हम अपने साथ ले जाएंगे तो काम नहीं होगा, मेंटल हो जाएंगे। इसे यहीं पर छोड़ दो। नहीं यार, कभी ना कभी इसकी याददाश्त वापस आएगी और इंसान बनेगा, तब ये उन लोगों को पहचानेगा और हम उन्हें पीटेंगे। तब तक इसे अपने साथ ही रखना होगा। कम ऑन कम ऑन। अबे मालगाड़ी की औलाद, लोग गाड़ी के ब्रेक फेल होने से मरते हैं, तू ब्रेक मार के मारेगा क्या? कौन तुम लोग? क्या है, क्या पूछ रहे हो? महल में पेंटिंग करने के लिए आए हैं, आते ही गेट खोलना चाहिए ना। खाकी वर्दी क्या पहले खुद को किरण बेदी के भाई समझता है? चल जल्दी कर गेट खोल।
गाड़ी चला। अरे रोको रोको रोको। आहा, यही पैलेस है, राजमहल। राजघराने के लोग यहीं पे रहते हैं। उन्हें हमारा काम पसंद आया तो हम कहीं से कहीं आहिस्ता नहीं उतर सकते क्या? अबे लंगूर की औलाद, शाहरुख खान की पहली शो देखने के लिए आए हो, जो इधर से उधर फुदक रहे हो, सांस लेने की भी आवाज आई तो जान से मार डालूंगा मैं। वो हमारे बारे में क्या समझेंगे? हाँ, मुर्गी के अंडे को जिस तरह संभाल के रखते हैं उसी तरह सारे सामान को संभाल के धीरे धीरे उतारो। जाओ काम करो, जाओ काम करो, संभाल के उतार। अरे बाप रे, अरे तेरा सत्यनाश उल्लू के पट्टे इस रख क्यों उतारते हो? अभी अभी कहा था ना, अबे ओए, बहुत मुश्किल से इस पैलेस मैनेजर के हाथ पैर जोड़कर 1,00,000 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी रोजी रोटी मत छीनना। अबे अंधे की औलाद, दिखाई नहीं पड़ता है क्या? ओ चिड़ियाघर में रहने वाले जंगली जानवर, मेरे यहाँ कैसे आ गए? ए अपंडिस लोग, जान से मार डालोगे संभाल के सामान नीचे उतार। चोर की तरह क्या देखता है सामने से? उस टिंकू से गाली खाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। अरे इस तरह जाएंगे तो कैसे चलेगा? सब कबूल करके ही तो आए हैं। ठीक बोल रहा है, महीना भर तो रहना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता। चलना यार, 15 दिन तो रहते हैं। ठीक है, तू इतना कह रहा है तो 3 दिन रुक लेते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? मीटिंग करने के लिए आए हो क्या? अरे जाके अपना काम कर। ए घुरता क्या, घुरता क्या? ऐसे क्या देखते हो भाई, क्या देखते हो? बच्चे की जान लोगे क्या? अजीब आदमी है, उसके लिए मैं काम करता हूँ या फिर मेरे लिए वो काम करता है? बाप रे, बेटा संभल के। आए जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। अरे दे, ये ले पकड़, ला ये ले जाना प्लीज। अब ला। ए पिंकी, पिंकी रुको ना, देखो आजकल तुम बहुत शैतान हो गई हो, अगर बात नहीं मानोगी तो पीटूंगी। चल हाय। हाय गिरो कवल्ला। क्या? मैं आके एक्सप्लेन करता हूँ। अरविंद क्या है, मैं बाद में आता हूँ। बाय बाय। गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। अरे हटाओ यहाँ से सीढ़ी को जल्दी। अरे सुनो, इन डबों को यहाँ से हटाओ, उधर ले जाओ जल्दी। आए, ये क्या, बिजली के तार में फंसे कौवे की तरह काँ क्या कर रहा? मैं काँ क्या क्या नहीं कर रहा हूँ, मालकिन आ रही है। तेरी मालकिन आ रही है तो मैं क्या करूँ बबुआ? आखिर मालकिन को समझा क्या है तूने? इस पैलेस की मालकिन है पद्मिनी देवी जी, आ रही है। गाड़ी अभी तक यहाँ खड़ी है, गाड़ी को हटाओ जल्दी से जल्दी, सुना नहीं? इस राजमहल की राजकुमारी आ रही है, लंदन में पढ़ के आई है। क्यों, यहाँ कोई स्कूल नहीं है? ये ले, ले, ये ले। मुझे क्यों मार रहा है? बंद कर। ये बुढ़िया लंदन से पढ़ाई करके आ रही है? बचपन में गई होगी, पढ़ाई खत्म करके अभी लौट रही है बेचारी। अरे एक क्लास में 6-6 साल पढ़ी होगी, अब हम सबको पढ़ा सकती है। हाय मौसी, आओ पद्मिनी, आओ बेटी। तुम भी क्या याद करोगे, तुम्हारे खातिर और 2-4 दिन मैं यही रोक लेता हूँ। लौंडिया को देखते ही इरादा बदल दिया मियाँ, राजघराने का मामला है, तुम्हारा गिरोह वाला यहाँ नहीं चलेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, तुम्हारी खातिर रुक रहा हूँ यार। अच्छा। मौसा जी कहाँ है, फोन पे बात कर रहे हैं। वेलकम होम। वेलकम पद्मिनी बेटी। ये बेकार की चीजें यहाँ किसने रखी है? हा? इसी ने, इसी भिखारी ने रखी है। फौरन ये कचरा यहाँ से नहीं निकाला तो तुमको निकाल दूंगा। ये कचरा है, निकाल निकाल यहाँ से। अबे मेंटल, इस तरह क्या देख रहा है, चलो से लेके जाओ। अरे चला उठाओ सब, ले जाने के लिए कहा था, घुमा के मेरे हाथ में थमा दिया, ले जाओ ये सब। ओए त्रिमूर्तियों इधर आओ। अरे उठा के दूंगा। ए तू कहाँ जा रहा, वहां नहीं उधर जा। ए
कैसी बदबू है? थर्रा है क्या? ये थर्रा नहीं है सर, वार्निश है। वार्निश है या गार्निश है? फौरन साफ नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा जुलम मत कीजिए साहब। अरे मुफ्त करो, खड़े खड़े क्या देख रहा है, जल्दी से साफ करो ना। साहब मैं क्लीन करता हूँ साहब। तो फिर करते क्यों नहीं? आखिर इन पागलों को पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया किसने? ए मैनेजर दामू यादव। मैं आ गया। कैसी ऐसी है? ए तुम सही, मैं पागलों की तरह गला फाड़ रहा हूं, तुम खड़े खड़े बतीसी दिखा रहे हो। तुझे तो ए रुक जाओ, वो सूट केस उठाकर उसके सर पर रखो। ए वो सब उठाकर पद्मिनी बिटिया के रूम में रख दो। अंदर सॉरी, अंदर आने की जरूरत नहीं। okay. यहीं पर रख दो। ओके हेलो हेल्प प्लीज। वन मिनट। हमें मालूम है। थैंक यू। रुको हम उतारेंगे। ओके ये चीखने की आवाज कहां से आई थी? किसी को मौत से बचाने के लिए कुछ भी करो बुरा नहीं है, मुझे माफ कर देना। बदमाश कहीं के, हट, तेरी ये हिम्मत है? ए, देख क्या रहे हो, इसे जान से मार डालो। एक मिनट, पद्मिनी बेटी।
पद्मिनी बेटी क्या हुआ तुम्हें? पद्मिनी क्या हुआ? आंखें खुल हो गई पद्मिनी बेटी। उस कमीने को काट डालो। तुम गलती कर रहे हो। अरे सुनो यार, जो काम मुझे करना चाहिए वो लोग कर रहे हैं। तू चुप जीजू। पति क्या हुआ बेटी? छोड़ लो नहीं, छोड़ो यार। उसने क्या किया? उसे छोड़ दीजिए, उसने कोई गलती नहीं की, छोड़ दीजिए। हमारी बात सुनिए, हमें करंट लग गई थी। करंट लग गई? लेकिन कैसे बेटी? फैन चलाने के लिए हमने स्विच ऑन किया तो करंट लग गई। तब इसी ने आके हमारी जान बचाई दादी माँ। अरे बाप रे। करंट लग गया? जिस पैलेस का मैं मैनेजर हूँ उस पैलेस में मेरी जानकारी के बिना करंट लगता है? इम्पॉसिबल। यही स्विच है राजकुमारी। उससे कुछ हो गया तो लाख रुपए का कांटेक्ट हाथ से निकल जाएगा, जाके बचाओ। लाख रुपए? सोचो मत, जाओ। तू पहले से ही मेंटल है बे। उन्हें इसी तरह शॉक लगा था और इसी तरह मैंने मारा। धड़कनें बंद हुई और सांसें रुक गई थी, तब उन्हें अपनी सांसें देके बचा लिया मैंने। उसका अच्छा सिला दिया तुम लोगों ने। हे चंद्रू, ऐसे लोगों का काम इन्हीं को मुबारक। चलो चलते हैं। इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हट जाओ अकल के अंधो। ये मेरा बदन है या पेंटिंग के बोर्ड? जो रंग निकालने के बहाने चमड़ी उधेड़ रहे हो। बोर्ड को पहुँचते पहुँचते हम लोगों को आदत पड़ गई है बॉस। थोड़ा प्यार से पूछो ना। प्यार से पूछने से कलर नहीं जाएगा। अरे बॉस को क्या हुआ? अबे ओए, ज्यादा मत घिसो, चमड़ी उधर जाएगी। अगर वो रंग निकालना है तो हफ्ते भर कास्टिक सोडा में डुबो के उबालना पड़ेगा। क्यों बे, अभी तक तुम लोग नहीं गए? तेरा दोस्त तो कह रहा था हम लोग जा रहे हैं, तो फिर गए क्यों नहीं? जा रहा हूँ, अब तुम गिड़गिड़ाओगे तब भी नहीं रुकूंगा। हाँ तुम बड़े राजा महाराजा हो जो मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाऊंगा। अरे चलते बनना, चलो पनवती आ जाएगी। साहब जी, मैं आपको नहीं कहा, आपके सर के कैसे मैंने नहीं कहा? हट जा रे, मिंटल कहीं का। मैं आपको कह सकता हूँ क्या? मैंने आपको नहीं कहा महाप्रभु, आपको नहीं कहा। तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो, निकलो बाहर। मैंने भगाता हूँ साहब जी, दया करके मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिए साहब जी। अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होना है तो इन दोनों को यही रखना पड़ेगा। बिल्कुल, इन्हें यही रखना पड़ेगा, इन्हें भेजना नहीं चाहिए, राजकुमारी जी का हुक्म है। ए कबूतर, एक मिनट दिखाना, इसके पाँव में क्या ताबीज बनी है? क्या ताबीज? मुझे दिखाना। अबे तू अपना काम देखना। ये नर है कि नारी? जाना। गलती के लिए माफी चाहती हूँ, एक बार अकेले में मिलना है पद्मिनी। हाय हाय। हम खुद ही आपको बुलाने वाले थे, इतने में आप आ गए। किस लिए? एक छोटा सा गिफ्ट, हमारी जान बचाने के लिए। क्यों, एक थैंक्स नहीं बोलेंगे? थैंक्स।
थैंक्स। यू वेलकम। बाय। थैंक्स थैंक्स। ए देखा राजकुमारी ने क्या दिया मुझे। ए डायमंड रिंग है, संभाल के रखना, कड़की में काम आएगा। ए चुप कर। अंगूठी तुझे खुद दी उस लड़की ने? हाँ यार, उसने अपनी उंगली से उतार के मेरे हाथ में दिया। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, उसकी मोहब्बत की निशानी है ये अंगूठी। आइए भाई साहब। चलो। Hi, Daddy. Hi. Come on, come on, come on, come on, my sweetheart. Come on. How are you, Daddy? देखा दामाद जी, आपको देख के ये कितनी खुश हो रही है। और एक आप हैं, एक बार भी फोन करके पूछा इसके बारे में, जब देखो फॉरेन टूर, बिजनेस बिजनेस। ओके ओके, अब की बार हम आपके नतनी की शादी करा के अपनी बेटी और दामाद को अपने साथ लंदन ले जाने के लिए ही आए हैं। हाल स्वाति, हाउ आर यू? आई एम फाइन। माँ और आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। चलो भाई, चलो आके उठाओ, चलो उठाओ, उठाओ। ए रुक जाओ रुक जाओ। अबे इसे कोई फूल समझाए क्या, जो हल्के से पकड़ा? ओए, मैंने पकड़ा ही कब था, पकड़ने से पहले तुम लोगों ने उठा लिया। सही कहा, उसे नहीं पकड़ा, मैं देख रहा था। तो फिर क्यों नहीं कहा? काम करते हुए बात करने के लिए मना किया है बॉस ने। मारो। इतनी बड़ी घड़ी का सत्यानाश कर दिया नालायक। तुम लोग काम करने के लिए आए हो या मुझे दफनाने के लिए आए हो? आखिर इसे तोड़ा किसने? वो क्या है कि वो क्या हुआ? कैसा शोर है? साहब जी, 200 सालों से जिस घड़ी को संभाल के रखा था उसे तुम लोगों ने तोड़ दिया। बाप रे, इतनी पुरानी है, कीमती होगी सोच के मैं डर गया था। बकवास बंद कर अक्कल के अंधे, तुम क्या जानो कितनी कीमती है? दादा परदादाओं के जमाने से संभाल के रखा था, तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। ऐसी नायाब चीज अब कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी सिवाय कबाड़ी के। तू चुप हो जा, चुप हो जा। मेंटल कहीं का, गलती होगी, माफ कीजिए सर। माफ कर दो, तुझे माफ कर दो, तेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके दूसरा काम। रामू यादव, नहीं ए मैनेजर साहब, जल्दी आ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिए, आपके पैर बताऊं सर जी। क्या मैं आ गया? अरे हंसो मत नालायक हो। बेवकूफ कहीं के, फिसलने की आदत पड़ गई तुझे। पता नहीं कैसे, लेकिन आजकल मैं कुछ ज्यादा ही फिसल रहा हूँ। अरे ये घड़ी किसने तोड़ी? साहब बात यह है कि मेरे लड़के इस घड़ी को संभाल के ही ला रहे थे, जैसे आपके पैर फिसले वैसे इनके हाथ भी फिसल गए। साहब सर, अब एक पल भी इन लोगों को यहाँ रहने नहीं देंगे, इसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके इनको बाहर भेज देंगे। कैसे भेजेगा, कैसे भेजेगा? अभी तक इन लोगों ने जो भी तोड़ा फोड़ा उसका नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप भरेगा। टूटे सामान का हर जाना भरने तक इस टोली का एक भी आदमी महल छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। अगर ये लोग बाहर चले गए तो तुझे इंतजार कर दूंगा। साहब जी, साहब जी मेरी बात सुनिए, साहब जी, साहब जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट, साहब आप उनसे बात कीजिए ना हमारे लिए। अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं रहा है, आके वाउचर में साइन कर, बाकी रकम मैं बाद में वसूल करूंगा। साहब चलो चलो उठाओ चलो उठाओ। ए ए ए ए, किसी भी चीज को हाथ लगाया तो तुम लोग की टांगे तोड़ दूंगा। बाप रे, अरे मर गया मर गया, कोई काम ढंग से नहीं करोगे। और अब तोड़े क्या, अब तोड़ने के लिए बाकी बचा क्या? कोई नई चीज नहीं, ये वही पुरानी घड़ी है साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए प्लीज, मैं आके आपका वाउचर साइन करता हूँ, आप चलिए जल्दी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। क्या हुआ भाई, क्या देख रहे हो? दुख महसूस कर रहे हो, दुखी हो रहे हो? तुम क्यों दुखी होने लगे? तुम लोगों को नौकरी पर रखे दुखी तो मुझे 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 होना है। जाओ यहाँ से जाओ।
इस घड़ी के साथ साथ मेरी किस्मत को भी तोड़ दिया, कमबख्त होने में कहां जाऊं हे भगवान। अरे क्या हुआ बॉस? अरे मैं मर गया, मेरी याद छुटा हुआ क्या क्या यहाँ से उठिए जाने जाने के लिए। चलो पकड़ लो। अरे बाप रे, जान मछली लाखों पाए। ओए पुरुष वाले था, हाथों ने आजा आराम से उठ इतना ना। अरे तुम लोगों को अलग से बोलना पड़ेगा, आजा ओए हथौड़ा से पकड़ा, तुम लोग जाके फर्नीचर उठाओ। चलो अच्छा। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो जाके फर्नीचर उठाने के लिए कहा। अभी तक जितने फर्नीचर तोड़े काफी नहीं है क्या? अब और किसी फर्नीचर को हाथ लगा तो जान निकाल लूंगा मैं, खबरदार। अरे तुम लोग जाओ, तुम ऊपर जाओ और बिना काम के सभी कीलों को निकालो। अच्छा जीजा जी, काम के कीले बिना काम के कीले कैसे पता चलेगा? अरे तुम जो भी उखाड़ोगे बिना काम का ही होगा, जाओ उखाड़ो। ठीक है। अरे जल्दी करो भाई। हाँ अरे तुम दोनों कहाँ चले? अभी ने तो ऊपर जाने के लिए कहा। अरे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। अरे तुम क्यों आया? कभी बुलाते हो कभी मना करते हो, क्या है जीजा जी? अरे मना तुझे नहीं किया, तू जा, आओ आओ, तुम लोग अपने अपने काम करो। अरे बाप बाप रे बाप, तुम जाओ यहाँ से, मेरे भेजे का कीमा बना दिया। ए ये ब्रशेस करो, तुम पूरी दीवार को साफ करो। अरे तुम बाहर जाओ ना। अरे मोटू दरा, तू बाहर जाके वो ठीक से काम करता नहीं, देखो जाओ। अच्छा। जाओ हाँ उखाड़ उखाड़ ठीक से उखाड़ ठीक से। अरे बाप रे, ये क्या भूत की तरह आके डराता है, ठीक से पहुंचना मेंटल। अरे रे रे रे, मेरे चेहरे को नहीं, नीचे पहुंचना। अरे रे क्या कर रहे हो? अरे वहां जा वहां जा वहां जा। अरे इन लोगों ने मेरी जान लेने की कसम खाई है। भाई साहब भाई साहब, और थोड़ा प्यार से रगड़ो, इतना जोर क्यों लगा रहे हो? दीवार को कहीं चोट ना लग जाए। अरे जोर से रगड़ो, रगड़। अरे बाप रे बाप, ये तो मेरे कर्मों का फल है। क्या हुआ? हथौड़ा सर पे गिरा दिया इसने। जानबूझ के थोड़ी किया, गलती से हाथ से छूट गया। सांस नहीं आ रहा इसके, बेहोश हो गया, पानी लेके आओ। पानी? अरे ये गंदा पानी है, इसे फेंक के साफ पानी ले आ। जा जल्दी कर जा। मेरे जीजा के सिर पे हथौड़ा गिर गया। रुक जा, जान से मार डालूंगा। अंदर चल, बताता हूँ। बाहर निकलो, 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 मनोज कहीं के। तुम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है, निकलो। बिना पगार का काम कराऊं को सोचा था, उसका अच्छा सलाह दिया तुम लोगों ने। ओए, तुम लोगों को काम दिया उसके लिए चप्पल 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 से मारना चाहिए अपने आप को। और इधर आ रहा हूँ बॉस। क्या बात है बॉस? सुनो, तुम इन लोगों पर नजर रखो। ओके बॉस, अगर इन लोगों ने काम नहीं किया तो फौरन आपको बताता हूँ। बंद कर, वो बंद कर, मार डालूंगा। ये लोग कोई भी काम ना कर पाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा। आहा, कबूतर कुरियर सर्विस आ गया, क्या है पढ़ो। सुन 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 जरा, जाने कहाँ दिल खो गया, गया गया वो गया, जाने मुझे क्या हो गया। सांसों में तू, ख्वाबों में तू, मैं क्या करूं, हाय हाय। प्यासा है दिल, प्यासी नजर, ढूंढती कोई मेरी जाने जिगर। सुन 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 जरा, जाने कहां मन ये खो गया, गया गया दिल गया, जाने मुझे क्या हो गया। सुन
में अरमान है प्यार के, हुआ 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 धड़कन में तूफान है प्यार के, हुआ 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 क्या पता, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा मुझको मेरा दिलरुबा। अच्छा हम दोनों मिलके डिस्को में नाचे गाएं, अच्छा हम दोनों मिलके डिस्को में नाचे गाएं। सुन 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 जरा, जाने कहां मन ये खो गया, गया गया दिल गया, जाने मुझे क्या हो गया, सांसों में तू ख्वाबों में तू, मैं क्या करूं, हाय यो प्यासा है दिल प्यासी नजर, ढूंढती हूँ मैं तुझी जानी जिगर। पता नहीं क्या करूं, मचल रही है दिल में किसी की अपना बनाने की आरज़ू, अपना कोई है तेरे सामने, आशिक बनाया तेरे नाम ने, बाहों में ले ले मुझको अपना बना ले मुझको, सपना यही है मेरा प्यार थोड़ा कर ले अब तो। सुन 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 जरा, जाने कहां मन ये खो गया, हुआ 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 गया गया दिल गया, जाने मुझे क्या हो गया, सांसों में तू ख्वाबों में तू, मैं क्या करूं, हाय हाय ओ प्यासा है दिल प्यासी नजर, ढूंढती कोई मेरी जाने जिगर। सुन 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 ज़रा, जाने कहां दिल खो गया, हुआ 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 गया गया वो गया, जाने मुझे क्या हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको ऐसी खबर सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप लोग सरप्राइज होंगे। आओ बेटी पद्मिनी, मैंने अपनी बेटी के लिए हर तरह से उसके काबिल दुल्हा ढूंढ लिया है, और वो कोई और नहीं मेरे जिगरी दोस्त का बेटा है डॉक्टर शरद राठौड़, जो लंदन में प्रैक्टिस कर रहा है। हेलो अंकल। हेलो, आओ बेटी इधर आओ। हाय आंटी। भाई साहब मुहूर्त का टाइम निकल रहा है, शगुन दे दीजिए। हाँ ओके ओके, दे दो। ये लीजिए शगुन। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। चल मेरे साथ। अगर उस लड़की के साथ तुम्हारा मेलजोल ठीक नहीं है, वो सचमुच तुझसे प्यार नहीं करती, वो टाइम पास करने के लिए प्यार का नाटक कर रही है, अगर ऐसा नहीं है तो वो सगाई के लिए हाँ कैसे कर रही है, बोलो। मुझे नहीं लगता है कि वो खुद मान गई होगी, जरूर उसे मजबूर किया होगा। अबे चुप हो जा, अगर उसे किसी ने मजबूर किया तो वो इस तरह मुस्कुराएगी, उसका चेहरा तो देख, थोड़ी भी शिकन नहीं है उसके माथे पर, जरूर उसकी मर्जी के साथ ही ये शादी की जा रही है।
मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रात को सबके सोने के बाद मेरे बेडरूम में आ जाना। अब क्या बोलते हो? मैंने जो कहा वो सच है अरविंद, वो लड़की मुसीबत में है, इसीलिए रात में तुम्हें अकेला बुलाया है। क्या अकेले में बुलाया है? उससे मिलना तो दूर, उस लड़की के बारे में सोचना भी गलत है। चलो चल के सोते हैं, सुबह होते ही घर लौट जाएंगे। ऐसा नहीं है चंद्र, ये लेटर हार्ड में गया, ये लेटर। चलो चलो बाहर चलते हैं। चलो देखो, रात को बाहर ना जाए इसलिए चंद्रों ने बांध दिया है। इंतजार कर करके बेचारी सो गई। चलो उठाते हैं। तू कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं उठाया? तू यही रह के कोई आया तो क्या है? कोयल की आवाज से सिग्नल दे मुझे। कोयल या तोते की तरह? कैसे भी चलेगा, एक बार बजा के दिखा। ओ मैं सब जानता हूँ, तू हिम्मत से जा। ठीक है चला ना। करना भूल गया। कहाँ है तू? पकड़ो 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 भागने वाले वो दोनों अगर नहीं आए तो तुम्हारी जान ले लूंगा। सैम जी वो दोनों आ रहे हैं। उसे क्यों बात कर रखा है? तुम्हें मेरी जरूरत है ना, उसे छोड़ दो। इसे खोल दो, उसे पकड़कर बांध दो। किसने मेरे दोस्त को हाथ लगाया तो मैं उसे जान ले लूंगा। बांधना है तो मेरे दोस्त को नहीं, अपने घर की महारानी पद्मिनी को। उसे बुलाकर पूछे आखिर हुआ क्या था। उसके बाद आपको लगे कि मेरे दोस्त अरविंद की गलती है तो उसे कोई भी सजा दीजिए। तू क्या कह रहा है, उसका एहसास है तुझे? हमारे घर में आके हमारी पद्मिनी बेटी पर इल्जाम लगाता है तू। गलती करने वाली तुम्हारी पद्मिनी है। अरविंद जबरदस्ती उसके कमरे में नहीं गया, वो गया है तो उसको बुलाने पर। नौकरानी के आते ही खुद को बचाने के लिए मासूम बनकर चिल्लाने लगी और अरविंद को दोषी ठहराया। हे चंद्रू, ये सब किस लिए? अरविंद तू चुप हो जा, वो सचमुच तुमसे प्यार करती है या सिर्फ हवस की भूख है आज मुझे जानना है। रुक जाइए, पहले पद्मिनी बेटी को बुलाइए, इनसे बाद में निपट लेंगे। ये क्या यार, इन लफंगों की बातों पर विश्वास करके तू मेरी बेटी पर शक कर रहा है? ए, वो सिर्फ तेरी ही बेटी नहीं मेरी भी है।
हमारी घर की बेटी पर सबके सामने कितना घटिया इल्जाम लगाया है। पद्मिनी ने कोई गलती नहीं की, यह साबित करना हमारा जिम्मा है। देखो बेटी, कल रात यही तुम्हारे बेडरूम में आया था। जी हाँ। इसलिए आया था? नहीं पता। नहीं पता? तुम्हारे बुलाने पर ही तो ये तुम्हारे कमरे में गया था। हमने इसे बुलाया, हम क्यों बुलाएंगे? ये सरासर झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ तुम बोल रही हो या मैं? शौक लगने पर जब तुम तड़प तड़प के मर रही थी तो अपनी सांसें देकर इसने तुम्हें बचाया, वो झूठ है? जब सब लोग इसे मार रहे थे तो माफी मांगते हुए इसे यहीं पर रहने को कहा, वो झूठ है? अरविंद को गाने के लिए बोला और उसके सुर से सुर मिलाकर तुम नाची और गाई, वो सब झूठ है? ये सब कुछ झूठ था? बोलो। ठीक है, ये सब छोड़ो। ये अंगूठी किसकी है? किसकी है ये अंगूठी? ये अरविंद के हाथ में कैसे आ गई? ये सबके सामने कसम खा के कह सकती हो? हाँ। नहीं कह सकती, क्योंकि ये अंगूठी अरविंद को देने वाली तुम हो। इसने अरविंद के साथ प्यार करने का नाटक किया और उसके मन में आस जगाकर उसको तड़पाने लगी। अब सबके सामने अनजान बनकर अपनी गलती छुपा रही है। किसी और की बीवी बनने वाली है ये जानते हुए भी आधी रात को अरविंद को अपने कमरे में बुलाया। You're talking too much. You're crossing your limits. I've had enough. Just stop it. I am not crossing my limits. You're the one who's talking too much. You're talking nonsense. I'm going to say this and lot more. I can't stand by and watch when you're doing this to my best friend. I don't care. You're nothing but a liar and a cheat. You're the one who is cheating. No, you are the one. बस करो। You are. बहुत हो गया। बस यार, कम से कम अब तो सच्चाई बाहर आ गई। हमने जरूर कोई पुण्य किए हैं। चलो प्लीज, इनकी बातों में आकर शादी मत रोकिए। जरा सोचिए मौसा जी, उन्हें जाने के लिए बोलिए। सौ चूहे खाके बिल्ली हज को जाने वाली बात हो गई। बस कीजिए, अब इसके आगे हमारे बारे में एक भी लफ्ज कहने का आपको कोई हक नहीं। पद्मिनी, किसी को कुछ भी बोलने का हक नहीं। गेट आउट, आई से गेट आउट। शुक्रिया यार, अच्छी मेहमान नवाजी की तुमने। चलो सुनिए, अब हमारा यहां रहना ठीक नहीं होगा, चलो चलते हैं। चंद्रू, मैंने बहुत सी लड़कियों से मुझसे लव करोगी पूछा है, लेकिन तुमसे ऐसा कभी नहीं पूछा, क्योंकि मैं तुमसे सचमुच प्यार कर बैठा। मानता हूं ये एक गलती की है मैंने। गुड बाय। रुको, तुम्हारे दोस्त से हमारा चक्कर है बोल के हमारी शादी रुकवा दी। पूरी दुनिया के सामने हमारे परिवार वालों का सर झुका दिया। अब सुनो, अगर हमारी शादी होगी तो वो तुम्हारे दोस्त के साथ, और वो शादी इसलिए नहीं कि हमारा उसके साथ कोई चक्कर है, तुम्हें उससे हमेशा के लिए अलग करने के लिए। काउंट योर डेज। जी आइए। आप? हम शहर से आ रहे हैं। अरविंद का घर यही है ना? हाँ यही है। यह साहब प्रतापगढ़ राजघराने के हैं। इनके घर की बेटी क्या अरविंद से रिश्ते की बात करने आए हैं। लड़की है राजकुमारी पद्मिनी, ये उनके मौसा मौसी हैं। तशरीफ लाइए। आइए आइए। अरविंद, चंद्रू, अरविंद, पद्मिनी के मौसा मौसी आए हैं, तुम्हारी पद्मिनी के साथ शादी की बात कर रहे हैं।
हुआ सब मैंने बता दिया। यह गलती ढूंढने का वक्त नहीं है, सब कुछ हम भूलने के लिए तैयार हैं। हम एक दूसरे की आन बान और शान के बारे में बहस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बेटे को हमारी बेटी पसंद है और हमारी बेटी को आपका बेटा, और सोचने की क्या बात है। अगर आप हाँ कहें तो हम शगुन दे देंगे। शगुन का थल लाइए। जिस वक्त पद्मी ने अरविंद का अपमान किया, उसी वक्त अरविंद ने अपने दिल से उसे निकाल दिया। एक अपाहिज लड़की के साथ भले ही वो शादी कर ले, लेकिन एक धोखेबाज लड़की के साथ वो कभी नहीं करेगा। शट अप! आधी रात को अकेली सोने वाली लड़की के कमरे में घुसकर वाहियात हरकत करने वाला तेरा दोस्त है। ऐसी गिरी हुई लड़की नहीं है हमारी बेटी पद्मिनी। ए, किसने वाहियात हरकत की? अरविंद ने? आपने उसके बारे में एक लफ्ज भी बोला? चले जाइए, जाकर अपनी महारानी से बोलिए मेरा दोस्त अरविंद बिकाऊ नहीं है। तू क्या जाने, हमारे खानदान से रिश्ता जोड़ने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। आपकी पद्मिनी ही नहीं, आपका पूरा खानदान उल्टा होकर तपस्या करे तब भी हमारा अरविंद नहीं मिल सकता। उठाकर ये सब बाहर जाइए। तुम्हारी चौखट पर खड़ा हूँ इसलिए कोई भी मनमानी करेगा। चंद्रू, देखिए इतनी बेइज्जती के बाद यहाँ रहना ठीक नहीं, चलिए चलते। कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ हम भूल जाएंगे, लेकिन आपके घर में भी शादी लायक एक बेटी है, ये मत भूलिए। हाय गौतम। हाय। तुम कब आए? अभी अभी, माँ ने कहा कि तुम्हारी शादी की बात हो रही है इसलिए चला आया। उसके मन को अभी अभी ठंडक पहुंची, उसे फिर से जलाने के लिए माचिस लेके आए हो? ए, सुनो, ये हमारी फैमिली मैटर है, तुम जरा ए गौतम, ये हमारा फैमिली मैटर नहीं है, मेरा पर्सनल मैटर है, तुम जरा ये बात नहीं है अरविंद, देखो हमारे घर वाले कितने मायूस हो गए हैं। मायूस क्यों होंगे, मैंने कह दिया ना ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं। अरविंद, उस लड़की को क्यों मना कर रहा है? मुझे वो पसंद नहीं। तुझे पसंद नहीं है तेरे दोस्त को? मेरे दोस्त को पसंद नहीं इसलिए मुझे पसंद नहीं। पसंद नहीं तो घर आए मेहमान के साथ ऐसे पेश आते हैं, हर बात की हद नहीं होती? क्या इस घर में कोई भी कुछ भी कर सकता है? इस घर में किसे क्या करना है इसका फैसला करने का हक आपको नहीं है, मेरे माँ बाप को है। चुप कर, तुम किससे बात कर रहे हो जानते हो? वो भला क्यों जानेगा, उसकी नजर में पराये लोग हमसे भी बढ़कर है। चंद्रू पराया नहीं है, इस घर में हम दोनों एक समान हैं। वो तुम्हारे लिए जो भी हो, लेकिन इस घर के लोगों को दुख देगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। चुप नहीं सकते तो अभी तक क्यों खड़े हैं? जा सकते हैं ना। ए अरविंद, डैडी कितनी बार बोला है मुझे कुछ भी कहिए चलेगा, लेकिन चंद्रू को कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए, आप लोगों से, अपने आप से, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप से भी बढ़कर है मेरे लिए मेरा। इतना सब सुनने के बाद यहीं पर क्यों खड़ी हो? बोरिया बिस्तर बांधो और चलो। भाई साहब, आप बुजुर्ग हैं फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। लीला, सावित्री बहन, गलत मत समझना, इससे पहले वो हमें यहाँ से धक्के मार के निकाले हम खुद चले जाते हैं। सुनिए, उसका गर्म खून है, अनजाने में कुछ बोल दिया, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे डैडी, ये क्या, अंकल और आंटी कितनी दुखी हो रही है, देखिए आप चुपचाप अंदर जाइए। जाइए मम्मी, डैडी को अंदर ले जाओ, अरविंद को जो बात पसंद नहीं वो आइंदे इस घर में कोई नहीं करेगा। अब चलिए माँ, तुम भी चलिए अंदर। अरे चलिए ना, चलिए। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? कृपा, इस घर में क्या क्या हो रहा है तू तो जानता ही है। माना कि अरविंद मेरी कोख से जन्मा है, लेकिन मैंने तुझे और चंद्रू को कभी पराया नहीं समझा। चंद्रू ये सब क्यों कर रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा, उसी की वजह से अरविंद इस शादी के लिए मना कर रहा है। हम लोग रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गए इसलिए नहीं कि वो लड़की राजघराने की है, हमारे अरविंद से भूल हो गई है, उस भूल को भी भुलाकर रिश्ता लेकर आने वालों की बेइज्जती करके भेजना अच्छी बात है क्या? उसकी जगह अगर हमारी बेटी होती तो? एक जवान बेटी की माँ होने के नाते कह रही हूँ,
अगर उस लड़की के आंसुओं को हमारे लिए श्राप न बनना है तो अरविंद को ये शादी करनी होगी। तो क्या करेगा मैं नहीं जानती। इस माँ की मदद कर बेटा। ऐसा मत बोलिए माँ जी, ये शादी जरूर होगी। चलता हूँ। क्या यार, कुछ बोलना चाहता था? बोल। मैं जो कहूंगा तुझे पसंद नहीं आएगा, फिर भी मानना ही पड़ेगा। अरविंद और पद्मिनी की शादी होनी चाहिए। हाँ चंद्रू, वो अभी भी पद्मिनी से प्यार करता है। अगर तू नहीं मानेगा तो वो इस जन्म में शादी नहीं करेगा। ए चंद्रू, जैसा तुम डर रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। पत्नी ही नहीं, कोई भी कोशिश करे अरविंद और चंद्रू कभी अलग नहीं होगे। ये बात नहीं है यार, वो अभी भी उस लड़की से प्यार करता है, ये बात आखिर मैं क्यों नहीं समझ पाया? यार अरविंद की खुशी के अलावा और मुझे क्या चाहिए? अगर अरविंद शादी करके हंसी खुशी रह सके तो पद्मिनी के जरिए मुझे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं। अरविंद को किसी भी तरह मैं शादी के लिए राजी करूंगा। थैंक्स यार, थैंक यू वेरी मच। किडनैपर्स बॉस, चल दिखा। दिखा था आज उन दोनों की शामत है। वो कोई भी हो, कहीं से भी आए, वो जिंदा नहीं जाएगा। अरे हटिए हटिए, कहाँ है वो, कहाँ है वो? वो देखिए बॉस, वो दोनों हैं। नमस्कार। हाँ, आपको पलंग के साथ किडनैप करने वाले वो दोनों ही तो हैं। वो देखिए बॉस, चेहरा छुपा के जा रहे हैं, चलिए पकड़ते हैं। आज तक तो तुम मेरा भेजा ही खाता था, आज मेरी जान खाओगे क्या? ये इस तरह नहीं मानेगा। चलो, मैं सुअर की औलाद, वो इस घर के दामाद हैं, महाराजा हैं, ये उन्हें किडनैपर कहता है। इसके दिमाग को ठीक करना पड़ेगा। लगाओ, मेरे अंगन वापी उपी बोले प्यार की शहनाई। अरे अप्पा, बड़े दिनों से पिया मिलन की रात ये रंग लाई। अरे अप्पा, चमके तो क्या हाल हुआ अपना। तेरी बाहों में आके खिल गए दिल की ये गलियां। मेरे अंगन वापी उपी बोले प्यार की शहनाई। बड़े दिनों से पिया मिलन की रात ये रंग लाई। तेरी पलकें या गुलाब है, तेरी आंखें लाजवाब है, गोरे गोरे गाल तुम्हारे चंद्रमा से चमके। दिल में खुशियां बेहिसाब है, आंखों में बस तेरे ख्वाब है, प्यारे प्यारे चंचल मन में अरमतई मचले। खन 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 आज तुम्हारे बोल रहे कंगना। Thank you.
बड़े दिनों से पिया मिलन की रात ये रंग लाई। सजी हुई है बाराती भी मचल रहे हैं, दिल वाले दुल्हनिया को लेके जाएंगे, मेरा दीदार करेंगे आज मेरे सजना। जी भर के आज करेगी प्यार मेरी सजनी, मन में मेरे महक रहा तेरे फूलों का गजरा। से पिया मिलन की रात ये रंग लाए, जरा प्यार से तुम देखो हमको मेहंदी भी रची सजना। तेरी बिंदिया चम चम के तो क्या हाल हुआ अपना, तेरी बाहों में आके खिल गई दिल की ये गलियां। मेरे अंगन बापी हुपी हु बोले प्यार की शहनाई, बड़े दिनों से पिया मिलन की रात ये अगर ये शादी होनी है तो चंद्रू यहाँ नहीं होना चाहिए। पद्मिनी बेटी, ये क्या कह रही हो? तुम अरविंद को बहुत चाहती हो, इसी वजह से बेइज्जती सहकर भी हमें शादी के लिए राजी हुए। अब अगर तुम चंद्रू को यहाँ से भेजने की शर्त रखोगी तो यकीनन ही शादी रुक जाएगी। रुक जाने दीजिए, उस दिन जब हमारी शादी रुक गई थी तब हमें जो दर्द हुआ वो दर्द वो भी महसूस करे। जब तुम चाहो रचाने के लिए और मना करने पर रद्द करने के लिए, ये कोई गुड्डा गुड्डी की शादी नहीं है, ये ईश्वर का फैसला है। जिंदगी भर खुश रहने के भगवान के इस वरदान को गुस्से में आकर ठुकराओ मत बेटी। नहीं मौसा जी, हमें अरविंद पर या उनके परिवार वालों पर कोई गुस्सा नहीं, मेरा गुस्सा उस चंद्रू पर है। जब तक वो मौजूद रहेगा ये शादी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, चंद्रू के बिना यह शादी नहीं होगी, किसी भी कीमत पर नहीं। अगर ये बात है तो ये शादी हरगिज नहीं होगी। देखिए, आप सबको मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर ये शादी होनी है तो इसी पल इस घर से चंद्रू को जाना होगा, बस। सावित्री, ये अच्छा बुरा सोचने का समय नहीं है, मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है। देखो कृपा, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ सगा बेटा, दूसरी तरफ मुंह बोला बेटा, दोनों में से किसकी तरफदारी करूं? किसी न किसी तरह तू ही उसे। नहीं माँ जी, ये शादी के लिए अरविंद को मनाने वाला चंद्रू है, ये शादी देखने के लिए हम सबसे ज्यादा चंद्रू ही बेताब है, मैं उसे मना नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कीजिए प्लीज। कृपा, मैं चलता हूँ यार। तुझे नहीं जाना चाहिए, क्यों जाएगा? तेरे बिना वो ये शादी नहीं करेगा, तेरे ना होने से ये शादी रुकी तो अरविंद के लिए बेहतर होगा। जो बात उस दिन मैंने तुम्हें कही थी वही बात तुम आज दोहरा रहे हो। यार, इस वक्त अरविंद की शादी होनी बहुत जरूरी है, माँ बाप की इज्जत को बरकरार रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहां से जाने का फैसला कर चुका हूं। मेरे जाने की खबर शादी की रस्म पूरी होने तक अरविंद को पता ना चले इसकी जिम्मेदारी तेरी है। चंद्रू, अगर उसने मेरे बारे में कुछ पूछा तो वादा कर यार, तू कुछ नहीं बताएगा। नो,
बहुत तकलीफ हो रही है ना? अब थोड़ी देर में तुम्हारे दोस्त की शादी है, उसे देखने की बहुत तमन्ना होगी, वो कभी पूरी नहीं होगी। ये तुम्हारे किए की पहली सजा है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नागिन बन के डसते रहेंगे, तुम नहीं बचोगे। उसने चाहे लाख बहाना किया हो, तुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था। और अगर उसने जाने की जिद की तो मुझे नहीं बता सकते थे? ए, सच बोल, उसने अपनी मर्जी से मेरी शादी के लिए मंजूरी दी थी या जबरदस्ती किसी ने उसे कबूल करवा लिया? अरे बोलना, मेरे माँ बाप ने उसे मजबूर कर दिया था क्या? उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो फिर कौन? बोलो, उसे मजबूर किसने किया? मैंने ही। तू पद्मिनी से बेहद प्यार करता है ऐसा उसे झूठ बोला, तभी उसने शादी के लिए मंजूरी दी। ऐसा क्यों कहा तुमने? किसी भी तरह ये शादी हो जाए इसलिए, नहीं तो तेरे माँ बाप चंद्रू को दोषी ठहराते, उस वजह से शायद उसे घर से जाना भी पड़ता, तब अमृता जिंदगी भर रोती रहती। इन समस्याओं का एक ही हल था, तेरी और पद्मिनी की शादी, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। मैं जानता हूं किस इरादे से तुमने मुझसे शादी की है, तुम्हें गलत साबित करने के लिए ही मैंने तुम्हारे साथ फेरे लिए। भगवान भी मुझे चंद्रू से जुदा नहीं कर सकता है। अब उसके कहने के बाद ही तू मेरी पत्नी बनेगी। मुझे पत्नी मानने के लिए तुम्हें अपने दोस्त की मंजूरी चाहिए, तो मुझे बाहर आके मिलो पत्नी। रुक जाओ, छोड़ो मुझे। आज तक मुझे ऐसी चिट्ठियां भेजने वाली तुम ही हो ना? चलो मेरे साथ। छोड़ो, चुपचाप चलो। ना छोड़ो मुझे। चल। क्या हो रहा है? क्या हुआ ये शोर कैसा? क्या हुआ दामाद जी? इस घर में जो भी समस्या हुई उसका जिम्मेदार यही है। ये देखिए, मुझे और पत्नी को लड़ाने के लिए भेजा हुआ खत है, ये पढ़ लीजिए, खुद जान जाएंगे। इससे पहले भी ऐसी कई चिट्ठियां लिखकर मुझे तुम्हारा दीवाना बनाया। तुम्हारी मंगनी की रात खत लिखकर मुझे तुम्हारे बेडरूम में बुलाने वाली यही स्वाति है। मुझे और चंद्रू को रास्ता भटकाने वाली यही है। तुम्हारी शादी रुकवाने वाली भी यही स्वाति है। इतना सब करके अब भी अनजान बने खड़ी हो? सबके सामने कहो कि तुमने क्या क्या किया है। हाँ, वो पर्चियां मैंने ही भेजी थी। तुम्हारा मजबूरन यहाँ रुकना, पद्मिनी की शादी रुकवाना, ये सब मैंने ही किया था। तुम दोनों से बदला लेने के लिए ऐसा किया। मैं भी इसी की तरह इसी खानदान में जन्मी हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा इसी को इज्जत और सम्मान। और आप सबके लिए यही युवरानी है, महारानी है ना? पहले तुम ही मुझे देखते मुस्कुराए, मेरे मन में तुम्हारे लिए चाहत जगाई, लेकिन पद्मिनी को देखते इसके पीछे चले गए। आफ्टर ऑल, इमारतों को पेंट करने वाले तुम जैसे को भी मैं पसंद नहीं, इसीलिए मैंने ये सब किया और भी करूंगी करूंगी। बिन माँ की बच्ची पद्मिनी पर हमने जो प्यार जताया वो तू बर्दाश्त नहीं कर सकी।
ऐसी मनहूस के इस घराने में रहने का कोई हक नहीं, जान से मार डालूंगा तुझे। चुप रहो। स्वाती को प्रेम और आकर्षण में फर्क क्या है नहीं मालूम, अनजाने में इससे गलती हो गई, इसके लिए तुम इसकी जान ले लोगे क्या? बेटी स्वाति, तुम जाके पद्मिनी को सॉरी बोल दो। देखा देखा भाई साहब, कितना घमंड है इस लड़की में, जा जाके माफी मांग। नहीं, रहने दीजिए मौसा जी, जो होना था हो गया, अब सॉरी बोलने से माथे पर लगा दाग मिट जाएगा या खोई हुई इज्जत लौट आएगी, छोड़ दीजिए। सुनो स्वाति, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम किसी को भी छोटा नहीं मानते, उसके बावजूद अगर तुम्हें ऐसा लगा तो हमें माफ कर दो। हमारी बहन से जो गलती हुई उसके लिए हम माफी मांगते हैं। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं, वो तो मुझे कहना है। उन चिट्ठियों को पढ़कर मैं तुम्हारा दीवाना हो गया, प्यार करने लगा, इसी वजह से बिना मर्जी की ये शादी हुई। बिना मर्जी की शादी जहन्नुम बन जाती है। मेरे हाथों मांग भरा, इसलिए जिंदगी मेरे साथ बिताने की जरूरत नहीं है। बोलो, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं अभी चला जाऊंगा, या फिर मेरे साथ रहकर मुझसे बदला लेना चाहती हो वो भी मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात है, इस मामले का कोई भी अंजाम हो वो मुझ तक रहे। मेरा दोस्त चंद्रू, उसका कोई कसूर नहीं है, वो मुझे बेहद चाहता है इसलिए, और तुमने मुझे धोखा दिया इस गुस्से में, तुम्हें बुरा भला कहा, उस पर नाराज मत होना। उन पर ही नहीं, स्वाति पर भी हमें कोई नाराजगी नहीं है। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आप जैसा नेक इंसान पति के रूप में हमें कहां से मिलता? सुनिए, हम जल्दी गांव जाएंगे। अपनी शादी में शरीक किए बिना ही हमने चंद्र को भेज दिया था, हम उनसे माफी मांगेंगे। पद्मिनी, ये सब सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। चंद्रू ये बात सुनेगा तो वाकई बहुत खुश हो जाएगा। चमन तुमसे ही महके, बदन फूलों सा तेरा, धड़कने थम न जाए, बाहों में आ जा जा।
रे सजनी तू प्यार मेरा तू ही मेरी जिंदगी है कुर्बान तू ही मेरे दिल की धड़कन तू ही मेरी जान आँखों में है तेरी रोशनी दिल में तेरा प्यार तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं ये जीवन है बेकार दिल की बस एक तमन्ना है हर जन्म में तू ही मिलन ये जहां मेरा ना होता दिल की बगिया में तू खिलना तुझ में खुमार है जवा जवा मुझे प्यार तू सिखाना गले से लगा मेरा वादा है यूं ही साथ निभाऊंगी तुमने मुझे पुकारा तो दौड़ के आऊंगी सजनी तू प्यार मेरा तू ही मेरी जिंदगी चमन तुमसे ही महके बदन फूलों सा तेरा धड़कने थम न जाए बाहों में आ जा जा सजनी तू प्यार मेरा तू ही मेरी जिंदगी आओ पद्मिनी हमें माफ कर दीजिए कोई बात नहीं अरविंद ने मुझे सब कुछ बता दिया दुआ करता हूँ जो भी उसने कहा वैसे ही हो ओके 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 इसी के साथ ये समस्या खत्म अब रह गई है अमृता की समस्या जब से हम शहर से लौटे हैं मुझे और चंद्रू को देखते ही वो अपनी स्कूटर से भगाती है या तो उससे उसकी स्कूटर छीन लो या फिर इससे उसकी शादी करावे चुप हो जा ए तू चुप रह अब भी तुम्हारी शादी को टालना अच्छी बात नहीं होगी फौरन माँ बाप से बात करके इनकी शादी का इंतजाम करना होगा ये हुई ना बात जस्टिस श्री राजशेखर जी की सुपुत्री अमृता की शादी अरविंद का दोस्त चंद्रशेखर के साथ सबकी मर्जी से खुशी खुशी तय की जाती है ठीक है ना संदीप साहब कमाल है लड़की का भाई लड़का वाला बन गया ओके प्रोसीड सुनो स्कूटर वाली सिस्टर जरा शर्माओगी तो दो बातें कहता हूँ बस बस बस, बस। जलेबी जैसे लड़के को गुलाब जैसे लड़के के हवाले कर रहा है आज तक किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा मेरे दोस्त ने श्री राम जी का अवतार है पता नहीं तूने कैसे पटा लिया ये लीजिए तू भी ले ले शगुन थैंक यू नो मैं ये शादी होने नहीं दूंगा उन दोनों ने ऐसा कहा तो आप दोनों चुपचाप हाँ में हाँ मिला देंगे माँ बचपन से अमृता मेरी दुल्हन बनेगी कह कह कर तुम लोगों ने मेरे मन में सपने सजाए थे ना अब कोई रास्ते का भिखारी आकर उसका पति बन जाए तो मैं वो देखकर चुप रहूंगा तेरा दिमाग खराब हो गया अरविंद की मर्जी के बिना ये शादी हो सकती है ये बात नहीं है जी बरसों से हमारी तमन्ना थी कि अमृता की शादी हमारे बेटे के साथ हो तो अपना मुंह बंद कर ये नालायक जल रहा है तू ऊपर से घी डाल रही है बस अब आगे क्या करना होगा ये मुझे मालूम है अमृता क्या है भाभी अच्छा तुम यहाँ हो हाँ ये क्या भाभी आप और किचन की तरफ खाना बनाना जानती हैं बनाना जानते हैं लेकिन कोई नहीं खा पाएगा बेचारा मेरा भैया ये हम काट नहीं लाइए हम काट देंगे माता जी को पता चलेगा तो डांटेंगे लीजिए और आप जाइए अच्छा तुम्हारी मंगनी के दिन सरोज आंटी का चेहरा उतरा हुआ था
क्यों? तुम्हारी चंद्रू के साथ शादी करना उन्हें पसंद नहीं? कैसे पसंद आएगा, उनका एक नालायक बेटा है ना, उससे मेरी शादी करवाना चाहती हैं वो। यानी उस गौतम से? उसी से, उसी मनहूस से। और वो गधा जब देखो लाल टपका के मेरे पीछे पड़ा रहता है, जितना भी डांटो कोई लाज शर्म नहीं। उस शैतान से मैं शादी करूं? मैं शैतान? सच तो ये है, उस जैसी से शादी करने से तो बदन पे केरोसिन डाल के खुद को जलाना बेहतर है। लक्ष्मी आज जी स्टोररूम से जरा हल्दी लेकर आना। ठीक है, तुम जाके बाहर का काम देखो। ठीक है बहुरानी, हम ले आते हैं। क्यों रे, मुझसे शादी करने से बदन पे केरोसिन डाल के खुद को जलाना बेहतर है, तो जल जा। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा अंकल जी। कैसे हो? कोई चोट लगी क्या? समझ में नहीं आ रहा। चलो हमारी किस्मत अच्छी है, ये ठीक हो गया। रो मत बेटी, कुछ नहीं हुआ। सब बैठ के क्या देख रहे हैं? अमृता का हॉस्पिटल ले चलते, चलिए जल्दी आइए। रुक जाओ अमृता, जब तुम खाना बना रही थी तब इस खिड़की के पास कोई आया? मैंने किसी को नहीं देखा। तुम लोग यही थे ना, तुमने किसी को देखा? हम यहाँ पर नहीं थे बाबूजी। क्या कहा, तुम लोग यहाँ पर नहीं थे? रसोई का काम छोड़कर बाहर कहाँ मर गई थी? हम दोनों यहीं पर थी माँ जी, बहुरानी ने हम दोनों को बाहर भेज के बाहर का काम देखने के लिए कहा। सच माँ जी, उन दोनों के सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं था। बस कीजिए, कुछ मत बोलिए, कोई कुछ नहीं जानता, यही ना? मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो ये काम यही बंद कर दो। तुम तो ऐसा कर रहे हो कि किसी ने जानबूझ के किया हो। बिल्कुल, किसी ने जानबूझकर ही किया है। ये देखिए सब आगे है तो पीछे साड़ी के पल्लू को आग कैसे लगी? चंद्रू, रसोई घर में स्टोव के अलावा और कहां से आग लग सकती है बता? बेसिर पैर की बातें मत सोचा करो। ये बेसिर पैर की बात नहीं है, ये देखिए चली हुई तीली ये खिड़की के पास कैसे आई? किसी ने जानबूझ के खिड़की से आग लगाई है। उनका निशाना अमृता नहीं, मुझसे बदला लेने के लिए किसी ने ये घटिया हरकत की है। ये क्या चंद्रू, घर के लोगों पर शक कर रहे हो? घर के लोगों पर ही नहीं, बाहर से आए हुए नए लोगों पर भी मेरा शक है। घुमा फिरा के क्यों कहते हैं, साफ साफ कहिए ना, इस घर में नए नए हम आए हैं, हम पर ही शक कर रहे हैं ना? मैं किसी एक प्रत्येक व्यक्ति पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। नहीं, अब हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। ये मेरा इरादा नहीं है, जिसने ये किया मैं उसी को बताना चाहता हूँ। जो मुझसे बदला लेना चाहते हैं वो मुझे से निपटे, अगर घर के किसी लोगों को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चंद्रो क्या हुआ, क्या हुआ अंकल जी? अरे कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। अमृता क्या हुआ बताना। अरे? और कुछ नहीं, अमृता खाना बनाते वक्त पीछे साड़ी के पल्लू में आग लगाई। आग लगाने वाली तुम्हारी बीवी है ऐसा तुम्हारा दोस्त का कहना है। पद्मिनी, अरे ये सब क्या है चंद्रू? ये क्या अनजान की तरह खड़े हो? अगर इसने तेरी बीवी को कुछ कहा तो उसकी बीवी तेरे घर पे है ना, तो उसे डांटना। वो छोड़ के ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए अपनी दोस्ती तोड़ दोगे? कौन सी छोटी मोटी बात, थोड़ी भी देर करता तो अमृता की जान जा सकती थी, इसलिए गुस्सा आया पूछ लिया।
गलत है। कृपा, इसका पूछना गलत नहीं है, गुस्सा करना भी गलत नहीं है, लेकिन मेरी बीवी ने आग लगाई ये कैसे कह सकता है? ये मैंने कब कहा कि तुम्हारी बीवी ने आग लगाई? किसने जानबूझ के किया है यही मैंने कहा है। ये सुनकर उनको गुस्सा क्यों आ गया? कहते ना जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। देखना यार, अभी भी इसको पद्मिनी पर शक है। तू ठहरना यार। ए चंद्रू, कोई भी लड़की ऐसा काम कर सकती है क्या? कोई साधारण लड़की की तरह नहीं है वो श्रीमती पद्मिनी देवी जी। शादी तय होने के बावजूद पराए मर्द को खत भेजना, आधी रात को अपने बेडरूम में बुलाना, ये सब याद करता हूँ तो। ए चंद्रू, इन सब बातों की वजह स्वाति है, जानता है ना? पद्मिनी कुछ नहीं जानती यार। ये तुम मानो, मैं नहीं मानता। उसका किया हुआ चैलेंज मुझे आज भी याद है। मैं चाहे जितना भी दूर चला जाऊं वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझसे माफी मांगना एक ढोंग था, तुमसे रचाई हुई ये शादी भी ढोंग है। बस करिए पागलपन, अरविंद तुझे बेहद चाहता है इसलिए तू कुछ भी कहेगा वो सुनेगा, इसका फायदा उठाकर उसकी बीवी पर इल्जाम लगाता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग मेरा नहीं, तुम दोनों का खराब है। चंद्रू, मुझे समझने की कोशिश कर यार। पहले तुम अपनी बीवी को समझने की कोशिश कर। मुझसे बदला लेने के लिए किसी और पराए मर्द को भी अपने कमरे में बुला सकती तुम्हारी बीवी। चंद्रू, भैया बाहर आके देखो तुमसे मिलने कौन आया है। भैया कहाँ हो, जल्दी आओ ना। अरे वहां क्यों रुक गए, अंदर आओ। एक मिनट भैया। ये क्या चंद्रू, वहां खड़े क्या सोच रहे हो? आके भैया से माफी मांगो। अमृता, माफी कैसी, मैं उसे ले आता हूँ। मुझे माफ कर दे अरविंद, मुझे भूल हो गई, मुझे उनके बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे पगले, ये तू कैसी बातें कर रहा है? हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में माफी और शर्मिंदगी जैसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ दोस्ती होती है। देख लिया मैंने जो आग लगाई उससे कौन कौन जल गया। ए, अरे नालायक, वो सब तेरी करतूत थी, अगर उसे कुछ हो गया होता तो। दो दिन बाद दूध मही और फिर क्या का? वो मर नहीं गई, जिंदा तो है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? बदमाश कमीने, तुम्हारा कभी ऐसी हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी औलाद है। अरे गौतम, अमृता को कुछ मत कर, अगर कुछ करना ही है तो चंद्र को घर से बाहर भेजने के लिए कुछ कर, समझा? सिर्फ इस घर से ही नहीं माँ, दुनिया से उसे भेजता हूँ। कल होने वाले बैलगाड़ियों के मुकाबले में उसका खत्म करने वाला हूं मैं। राजी साहब जी, हमका बहुत डर लगता है, गाड़ी की रफ्तार में अगर किल टूट गया तो चलावे वाले के जान पे खतरा हुआ। उसकी तुम फिक्र मत करो, किल जरूर टूटेगा ना। टूट जाए साहब। शाबाश। क्या है माजी? ओ, हमारे गांव में हर साल होने वाले इस मुकाबले में गाड़ी तैयार करने वाले हमारे घरेलू लोहर मंगल को दादी माँ के हाथों सम्मानित किया जाता है। इस साल ये आप अपने हाथों से दे दे, दादी माँ यही चाहती है। लीजिए दादी माँ, अपने हाथों से। भाई मंगल दे दो बेटे, ये लीजिए। चलो मंच पे चलते हैं। चलो माँ। हर साल के रिवाज से हटकर पद्मिनी ने अपने हाथों से ये रुपया क्यों दिया जानते हो? ये सब पद्मिनी का ही प्लान है। ये बात पद्मिनी और मेरे सिवा कोई नहीं जानता, और जानने भी ना पाए। भाइयों और बहनों,
बैलगाड़ियों के जिस मुकाबले का हमें बेसब्री से इंतजार है वो थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। हमारे जिला न्यायाधीश श्रीमान राजशेखर जी के कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं आप सबकी तरफ से उनसे विनती करता हूँ। एक मिनट, हर साल मेरा दोस्त चंद्रू ही इस मुकाबले में हमारे घर की तरफ से हिस्सा लेता रहा है। चंद्रू हमारे घर का दामाद बनने वाला है, इसलिए उसके बदले इस साल के मुकाबले में मैं हिस्सा ले रहा हूं। आजा, गुड लक योर बॉय। फिकर मत करो भाई साहब, हाँ। इसे अस्पताल लेके इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू चुप कर, देख कैसे खून बह रहा है। गौतम गाड़ी निकालो। अच्छा, अरे मामूली सा खरोच है। चलना किसके कहर पे ये सब तूने किया? बोल बोल बोलता या नहीं? बोल नहीं बोलेगा तो इसी भट्टी में तुझे भून डालूंगा मैं। बोल बोलना, बोल जान से मार डालूंगा। बाबूजी तुम्हारे पांव पड़े तो इनका कुछ ही मत करो, छोड़न दो इनका। सच का है मैं बतावत हूँ, पैसा देकर इसे नीच काम करवाई है। पैसा किसने दिया? बोल। वो कोई और नहीं, राजघर आने से जो बहू रानी आई है ना, पद्मिनी मेम सब हुई ने। बोल। नहीं, सबने के सामने बोल। भाई ये कपकील अपने आप निकला या तूने निकाला? बोल। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बोल नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगा। बोलना या नहीं? बात हो चुकी है, सब कुछ सामने। बोल 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 चलो, खामोश क्यों है? बोल बोल साले बोल। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। चलो बोल, बोल दे रही हूँ, जान बना डालूंगा। चंद्रू
रहे हो? अरे बोल, गाड़ी का कील कैसे निकल गया सबके सामने? बोल बोल इन सबके सामने। हमारा वक्त खराब था, जो पहिया निकल गया, इसलिए इसको क्यों मार रहे हो? वक्त के कारण पहिया नहीं निकला, इसके कारण पहिया निकला है। अरे बता ना चंद्रू, वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारी सेवा कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? इसने नहीं किया, किसने करवाया ये मैं जानता हूँ, सबके सामने उसका पर्दाफाश हो जाए, इसीलिए यहाँ इसे लाया हूँ। ये देखिए, मासूमियत का नकाब पहनकर जो खड़ी है यहाँ महारानी, यही है वो। बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, पक्के सबूत के साथ आया हूँ। ए बोल ना, भाई ये कत्ल निकालने के लिए कहने वाली वही है ना? बोल चंद्रू। अरविंद, उस दिन अमृता की साड़ी में इसी ने आग लगाई, मैंने कहा किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, और अब इस रेस की बाजी में मुझे मारने की साजिश की। ए, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन तेरी जान जब खतरे में थी तब तमाशा देख रही थी ये डायन। ए, इसके बारे में बात कर रहा है पता है? वो मेरी धर्म पत्नी है, ये तो कभी मत भूलना। अपने इंतकाम के लिए अपने पति को भी बलि चढ़ाने को तैयार है, उसे उसे कहते हो पत्नी? उस महारानी की असलियत ये बताएगा, बता। रुक जाओ, हमार मरदवा ने कछु नहीं कहा, ये काम बहुरानी ने करवाया है, ये बात हम ही बोल रहे। ऐसा क्यों कहा तुमने? बहुजी, बहुजी, बात है कि बोलो। गाड़ी का पहिया निकलन का कारण बहुरानी है, ऐसा हमको मार मार के बाबूजी ने कबूल करवाया। हम कही कि बात का बहुरानी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये बाबूजी नहीं माने। हमार मरद को बचावन वास्ते हम ही झूठ बोल दे रहे। ए, झूठ क्यों बोल रही हो? ए, ए, ये मेरी और इसकी समस्या है, बाहर वालों की दखलंदाजी नहीं चाहिए। मैं पूछता हूँ, जाओ तुम। नहीं नहीं, हमारे लिए कोई किसी से कुछ न पूछे। जब से हम आए हैं तब से हम देख रहे हैं, हर बुरी घटना का इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है। थैंक्स। पद्मिनी, पद्मिनी सुनो तो। ए चंद्रू, ये तू क्या लगा रखा है? पल भर के लिए मान भी जाओ कि वो मुझे मारना चाहती है, ओके, जो फिक्र उसे नहीं है वो तुझे किस लिए? मरने वाला तो मैं ही होगा ना, हर चीज की एक हद होती है, तूने वो हद पार कर दिया। अरविंद मेरी बात बस कर। पद्मिनी, चंद्रू की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, उसने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा है गलत है, लेकिन वो इसलिए बात कर रहा है कि वो मुझे बहुत चाहता है, तुम्हें को एडजस्ट करना होगा प्लीज। जिसने हमारी मांग भरी है उसकी हर बात हम सुन सकते हैं, लेकिन पराए लोगों की बात सुनने की हमें कोई जरूरत नहीं। पद्मिनी, अपना बदला लेने के लिए भले ही अपना पति मर जाए, लेकिन वो जो चाहती है किसी भी कीमत पर हासिल करने वाले डायन के सबके सामने खींच उछाला, इतना सब सुनने के बावजूद हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? हमसे नहीं होगा। तुम किस लिए दुखी होती हो? उसकी बातों का किसने यकीन किया? सवाल ये नहीं कि कोई यकीन करता है या नहीं, इस घर में वो कुछ भी करे, हमसे कुछ भी पूछे, एक लफ्ज पूछने वाला कोई नहीं। अगर किसी ने भूले भटके पूछ भी लिया तो वो आपको पसंद नहीं, क्योंकि आपको अपनी पत्नी से ज्यादा दोस्त कीमती है। पद्मिनी, जिस दिन आपको ये एहसास हो जाए कि दोस्त से ज्यादा बीवी कीमती है, खबर भिजवाइए, हम खुद आ जाएंगे। पद्मिनी, मेरे लिए तुम भी कीमती हो, वो भी कीमती है। नहीं, हम या वो, कौन चाहिए इसी वक्त फैसला कीजिए। तुम्हारे लिए ही नहीं, किसी के लिए भी उसे नहीं छोड़ सकता। किसलिए? किसलिए नहीं छोड़ सकते? यानी उसके खातिर हमसे अलग हो जाना आपको मंजूर है, यही ना? अपनी धर्मपति से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा उसे अहमियत दे रहे हैं आप, क्या है इसकी वजह? आपको बताना ही पड़ेगा। यही सवाल इस घर में सभी ने मुझसे कई बार किया है, लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। आज तक मैं जिसके लिए उस राज को राज बनाए रखा, और अगर वही मुझसे दूर होने वाला है तो अभी सच्चाई को छुपाने से कोई फायदा नहीं। हम दोनों की दोस्ती की गहराई जाननी है तो तुम्हें एक सच्चाई भी जाननी होगी। तुम्हें चंद्रू के बारे में बताने से पहले उसका भाई छोटू के बारे में बताना होगा। चंद्रू एक अनाथ था, उसका अपना कहने वाला सिर्फ छोटू था, जो सुन बोल नहीं सकता था। वो चंद्रू की आंखों का तारा था, एक पल भी उसे दूर नहीं रहता था, हमेशा उसे कंधे पर बिठा के घूमता था। उस छोटो की 17 साल पहले मौत हो गई।
चंद्रू जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले छोटों की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। उस दिन मैं उसके घर क्यों गया? मैं उसे खिलौना क्यों दिया? मैंने क्यों कहा कि उसे संभाल के रखो? मेरी बात सुनते ही उसे संभाल के रखने के लिए छोटू अपने घर के तहखाने में गया। वो मैं नहीं जानता था। अनजाने में मैंने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद छोटू लापता हो गया कहकर सभी लोग परेशान हुए। उसे कोई उठा ले गया सोच के सब जगह ढूंढा पर पूरे एक हफ्ते के बाद तहखाने से बदबू आने की वजह से खोल के देखा। तहखाने में सांस लिए बगैर चिल्लाने के लिए आवाज के बगैर बाहर आए बिना तड़प तड़प कर मरने वाली छोटू की लाश पड़ी थी वहां। अपने भाई की लाश से लिपट कर फूट फूट कर रोने वाले चंद्रू से आखिर मैं क्या कहता? मैं उसे कैसे कहता कि उसके भाई की मौत का जिम्मेदार मैं हूं? चंद्रू को अपने भाई के बदले में मैं आखिर क्या देता? आखिर क्या करने से मेरा ये पाप धुलेगा पद्मिनी? मैं क्या करूं? गुड मॉर्निंग, कॉफी। पद्मिनी? हाँ? मुबारक हो। एक मिनट। मुंह मीठा कराने के लिए महार बाबूजी घर पर नहीं है। ये उनके लिए नहीं है, अपने चंद्रू के लिए है। मैं बाप बनने वाला हूँ सुनते ही वो बहुत खुश हो जाएगा। पहले उसका मुंह मीठा करता हूँ। मुझे मारने दे, कोई बात नहीं। आओ चंद्रू, मारो मुझे, आओ। ए चंद्रू, मेरी बात सुन, हम सब एक हैं। हम जैसा कोई शब्द ही नहीं है। आज से तुम अलग और मैं अलग। ये
दोस्ती को ये क्या हुआ, किसकी लगी नजर आज मेरा हम सफर अपना पराया हो गया। बंधन ये प्यार का किस तरह टूटा ये आंसू पूछे आंखों से दोस्ती की ये। दुनिया सदा से ही दुश्मन है मेरा हमदम जान कहां खो गया। दोस्त क्यों बिछड़ गया क्या खता हुई मेरी, दोस्ती को ये क्या हुआ। तुमसे कैसी दूरियां, बादल हवा का झोंका मिलते ही दूर होते कैसी ये मजबूरियां। ये जीवन मेरा तेरा सपना तेरे बिन कोई नहीं अपना, घुट घुट के ही अष्ट बिना तेरे बिन बोलो पर वाले कौन सा है पाप मेरा जिसकी सजा मिली मुझे। दोस्त क्यों बिछड़ गया क्या खता हुई मेरी, दोस्ती को ये क्या हुआ। ए, तू जैसा कमीना मेरी औलाद कैसे बन गया। ये क्या जी, इसे क्यों मार रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया। क्या बात है, क्या हुआ? मुझे माफ कीजिए भाई साहब, इस घर में हुए समस्याओं की जड़ यही है, ये लालची औरत और उसका बेटा। अमृता की साड़ी में आग का लगना, बैलगाड़ी की रेस में पहिए का निकलना और उसके इल्जाम पद्मिनी पर थोपना, ये इनकी साजिश थी। सिर्फ इतना ही नहीं, छोटू की मौत का जिम्मेदार अरविंद है कहकर चंद्र को इस परिवार से अलग करने वाला भी यही कुत्ता है। चल बे, चल के इनके पैरों में पड़कर माफी मांग ले। बिल्कुल नहीं, किसी के भी पैर पड़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं। चाहो तो उस चंद्र की तरह इनके तलवे चाट कर तुम यही पड़े रहो और मुफ्त की रोटियां तोड़ो। गुड बाय गौतम, छोड़ दो मां। सब अच्छी तरह से सुन लो, अमृता की अगर कभी शादी होगी तो मुझसे होगी। चंद्र को मुझसे अलग किया था ना तूने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ए अरविंद, छोड़ो छोड़ो अरविंद, छोड़ो अरविंद, चलो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि अरविंद तेरी जान ले ले, भाग जा यहाँ से, भाग। चला जा। नहीं रुक जाइए, रुक जाने दीजिए, रुक जा।
उस गौतम की बकवास सुन के तुम क्यों रो रही हो? मैं हूं ना चंद्रु, चाहे जहां भी हो मैं ले आऊंगा। असल में उसका गुस्सा तुम पर नहीं, मुझ पर है। तुम दुखी मत होना। चंद्रु पहले की तरह नहीं रहे, उस वारदात के बाद वो बिल्कुल बदल चुके हैं। बरसों की आपकी दोस्ती को ठुकरा के जाने वाले वो अब मेरे प्यार के लिए लौटेंगे, इसका मुझे कोई भरोसा नहीं भैया। नहीं अमृता, उसे मैं मना लूंगा। तुम दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। चंद्रू, ए चंद्रू, तू मुझे कुछ भी कर, चंद्रू गांव लौटाना मेरे भाई प्लीज। यार मेरा गुस्सा अमृता पर क्यों उतार रहा है? वो तुझे याद करके रोती रहती है। चलना चंद्रू गांव चलते हैं प्लीज। चंद्रू जरा मेरी बात सुनना यार, तेरे बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। चंद्रू मैंने अमृता को वचन दिया है कि तेरे साथ ही लौटूंगा, चल मेरे साथ, चल चल, छोड़ दो मुझे। चंद्रू चंद्रू रुक जा, चंद्रू मेरी बात सुनो यार, चंद्रू रुक जा, चंद्रू चंद्रू मेरी बात सुनो यार, प्लीज प्लीज मेरी बात मानो प्लीज, छोड़ दो। चंद्रू जोर से पकड़ है, चंद्रू पकड़, छोड़ मत देना अरविंद, छोड़ मत देना, चंद्रू चंद्रू छोड़ना नहीं चंद्रू। यार मुझसे नहीं हो रहा, यार मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ना मत चंद्रू, छोड़ना मत, नहीं हो रहा है। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे, चलो। चंद्रू वापस आ गया? हाँ भैया, मैंने उसे ट्रेन से उतरते हुए अपनी आंखों से देखा है, कृपया उसे अरविंद के घर ले गया है। 5 साल, पूरे 5 साल हो गए हैं, 5 साल बाद वो फिर से मेरे जिंदगी में रुकावट बनकर आ गया है, मैं उसका प्राण लेकर ही रहूंगा।
अरविंद का बेटा कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? चंद्र। क्यों रो रहे हैं अंकल? चंद्रू, अपने दोस्त से नहीं मिलोगे? ओ बेटे, आओ दिखा। उस दिन जब ये खाई से मिला तब मैं लाश ही समझा था। पद्मजी के सुहाग की किस्मत जो इसकी जान बच गई। हर अस्पताल में दिखाया, हर मंदिर में मन्नतें मांगी, लेकिन इसे होश नहीं आया। एक जिंदा लाश है चंद्रू। अरविंद, मैं आया हूं तुम्हारा चंद्रू। मैं वापस आ गया हूं अरविंद, मुझे एक बार देखना अरविंद, देख अरविंद, अपने चंद्रू को एक बार तो देख। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप दोनों को अपने हाथों से मिलाए चट पर। अब हम इन्हीं के हाथों से आप दोनों को मिलाएंगे। अमृता की कभी शादी होगी तो मुझसे ही होगी, मैंने उसी दिन बोला था ना। अब उसे इसके हवाले कर रही हो? तेरी इतनी हिम्मत कि तू दोबारा यहाँ आ जाए? हमारे अरविंद का ये हाल करने वाला तू है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसको छोड़ दो, उसे मुझे मार दे दो। अरविंद की हालत का जिम्मेदार मैं हूं।
मुझे सजा मिलनी चाहिए। आ मुझे मार, मुझे मार। ए, देख क्या रहे हो? आओ। नहीं, छुपे अंदर मत जाओ।